This conference will now be recorded. ठीक है, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। अभी मैंने बताया, अच्छा क्या याद दिला दिया, अब रिकॉर्ड हो रहा है। तो वो विवेक आपको कोई लिंक देगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। श्योर। हाँ। और इसके अलावा कोई भी चीज होगी तो आप दोबारा पूछिएगा, मैं दोबारा कराऊंगा, है ना। आज तो थोड़ा लेट हो गया इसकी रिकॉर्डिंग करने में, है ऑलरेडी, नहीं तो हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। अच्छा क्या याद दिला दिया, ठीक है। कोई भी बात होगी किसी भी लेवल पे पूछिएगा। मेरा मोबाइल नंबर आप लोग सेव कर लीजिए, एक सेकंड, मैं ये मैसेज में दे रहा हूँ। कोई भी बात हो आप लोग मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप 9810920972। ठीक है, तो सॉरी ये विवेक को चला गया, मुझे सबको भेजना है ना, एक सेकंड, कैसे करना है ये। आपको नंबर दिख रहा है मेरा? नहीं सर, नहीं सर, एक सेकंड सर, ऐसे बोल दीजिए, हम ऐसे लिख लेंगे। हाँ ये कुछ अभी बटन दिखा भी नहीं रहा है। 9810 यस सर, 9209209702972। ओके ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी कभी भी तो आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा, है व्हाट्सएप पे मुझे जवाब देना इजी रहता है। अगर कोई लगे कि नहीं इमरजेंसी है तो फोन भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो एक सिंपल पहला तरीका ये हुआ कि हमारे जितने भी वेरियस तरीके हैं बेस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए, जो मशीन लर्निंग के अलग अलग मैथमेटिकल मेथड है, उनको हम लोगों ने सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड किया, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। ठीक है, पैरामेट्रिक जिसमें कि एक फंक्शनल फॉर्म है, नॉन पैरामेट्रिक जिसमें कोई फंक्शनल फॉर्म नहीं है। नॉन पैरामेट्रिक मशीन एल्गोरिदम होंगे जैसे KNN, डिसीजन ट्री, सपोर्ट वेक्टर मशीन एक्सेट्रा। अब देखिए जो फंक्शनल फॉर्म है, फंक्शनल फॉर्म क्या है, बिल्कुल ऐसे है कि 2+2 4 की तरह है। y=fx, y=β0+β1x, क्या लाइन कैलकुलेशन एक सर्टेन फॉर्मेट में, तो क्या होता है ये 2+2 4 की तरह वर्क करता है। यानी कि आप कुछ वैल्यू डालेंगे तो एक फिक्स वैल्यू आनी है, यानी कि डेटा सेट अगर चेंज हो रहा है तो बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं आते। तो लेकिन नॉन पैरामेट्रिक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में हमारे साथ क्या दिक्कत होती है कि अगर थोड़ा भी डेटा सेट में चेंज हुआ तो हमारे रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन आते हैं। अब जब ये बहुत ज्यादा वेरिएशन आते हैं तो यानी कि हमारे नॉन पैरामेट्रिक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में कि अगर मेरा डेटा सेट थोड़ा चेंज है तो रिजल्ट बहुत वेरी हो गया। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए ना, इससे तो हमें इन्वेस्टमेंट और इन सब चीजों में दिक्कत आएगी बहुत। तो उसको ये हमारी कुछ लिमिटेशन और प्रॉब्लम, तो इसको सॉल्व करने के अलग तरीके हैं। यानी कि क्या है, जैसे कि स्टैट्स में आपने पढ़ा होगा सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहती है, एज द नंबर ऑफ सैंपल इंक्रीज द डेटा विल स्टार्ट फॉलोइंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। जितना नंबर ऑफ सैंपल बढ़ता जाएगा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। यानी कि जब हम यानी कि एक एक एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं डिसीजन मेकिंग का, नॉन पैरामेट्रिक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगा रहे हैं, तो हम क्या करें, एक रैंडम सैंपल लिया और उस पर एक एल्गोरिदम लगा और उसके रिजल्ट को लिख लिया, फिर क्या किया डेटा को वापस रख दिया, फिर रैंडमली एक फिक्स पोर्शन लिया, मतलब पोर्शन तो हर बार डिसाइडेड है, 70-80%, तो बार बार रैंडम सिलेक्शन कर रहे तो डेटा सेट चेंज होगा, फिर उस एक मॉडल बिल्ड किया उसके रिजल्ट को लिख लिया और 10 या 100 या 1000 या 10,000 बार किया और फिर उसका एवरेज ले लिया। तो इससे क्या होता है कि हमारे मॉडल का जो रिजल्ट में वेरिएशन है वो कम हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही कि मान लीजिए मैंने एक बार मॉडल रन किया उसने 10 दिया रिजल्ट और एक बार रन किया उसने 5 दिया, दोनों का एवरेज लिया तो क्या हो गया 10+5/2 7.5, यानी कि न तो एक्सट्रीम अपर लेवल पे है न एक्सट्रीम लोअर लेवल पे, कहीं बीच में, यानी सेंट्रल टेंडेंसी हो गई। तो ये तरीका हम लोग अपनाते हैं। जैसे कि आप देखिए कि जैसे कि स्टॉक मार्केट का डेटा, स्टॉक मार्केट के प्राइसेस बिल्कुल रैंडम होते हैं क्योंकि मैन मेड होते हैं, वो लोग अपने बिहेवियर से उसे
कम ज्यादा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए वॉरेन बुफे दुनिया का सबसे बड़े इन्वेस्टर है, तो वॉरेन बुफे ने क्या किया कि एक कंपनी सन नाम की कंपनी में 100 मिलियन डॉलर डाल दिए, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, अगले दिन लोगों ने अखबार में पढ़ लिया, सब पहुंच गए इन्वेस्ट करने। 6 महीने बाद वॉरेन बुफे ने अपना 100 मिलियन डॉलर निकाल लिया। तो क्या हुआ, 6 महीने में क्या हुआ, सन नाम की कंपनी स्टेब्लिश हो गई। इसमें कोई पैटर्न नहीं है, ये मैन मेड है, नहीं पता वो क्या करने वाले, उनके व्हिम और क्या प्राइस पर डिपेंड करता है, जब दिल में आया। इसी तरीके से जब भी हमारे ही देश में देखिए गवर्नमेंट्स चलती हैं, जब तक कि वोटिंग हो रहा है, तो जब तक कि लास्ट वोट न पड़ जाए, स्टॉक मार्केट ऊपर चलता चला जाता है, बढ़ता जाता बढ़ता, जिस दिन अंतिम वोट पड़ा उस दिन जो है स्टॉक मार्केट धड़ाम से गिर गया। तो क्या ये मैन मेड है? तो ऐसी कंडीशन में हम नहीं जान पाते कि कोई पैटर्न, देखिए डेटा में भी प्रिडिक्शन तभी हो पाती है जब डेटा में कोई पैटर्न हो। अगर डेटा में कोई पैटर्न नहीं हो तो प्रिडिक्शन करना भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पैटर्न नहीं मिला आप क्या प्रिडिक्ट करें, क्योंकि हम एक सर्टेन पैटर्न को ही फॉलो करते हैं, और वो पैटर्न क्या है ये खोजना हमारा काम है। तो जब पैटर्न ही नहीं है तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, 1000 बार जो स्टॉक मार्केट प्राइस है उसको 1000 बार जनरेट करते हैं, 1000 बार उसको रैंडम सैंपल्स लेते हैं प्राइसेस का, और उसको 1000 बार 10000 बार उसका एवरेजेस निकालते हैं। इस तरीके से प्राइसेस को स्टेब्लिश करते हैं और प्रेडिक्शंस करते हैं, आई मीन टू से कि इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये हमारे कुछ तरीके हैं। तो यही तरीका क्यों ना यहाँ अपना है, स्टैटिस्टिकली इसके लिए थ्योरम भी है, सैंपल मीन इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन में। तो देखिए लिमिट नॉन पैरामेट्रिक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में हम क्या करें, उसको 1000 बार करें, यानी डिसीजन ट्री है, तो उसके लिए क्या करें, रैंडम फॉरेस्ट यूज करें। रैंडम फॉरेस्ट में क्या, 1000 बार रिपीट कर रहे हैं, है ना। तो ये प्रोसेस है। अब देखिए तो ये एक सबसे पहला हमारा आधार हो गया मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को दो पार्ट में डिवाइड कर। अब देखिए दूसरा हमारा है पार्ट। अब फर्दर हम लोग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को हम लोग दो नाम देते हैं, वो है सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास डेटा है, सपोज एक डेटा शीट समझिए एक्सेल की, इसमें एज है, नेम है, जेंडर है, सैलरी है, ठीक है, और हमारे ऑफिस का है, और हम लोगों ने एक कॉलम बना रखा है कि वो कितने महीने या कितने ईयर सर्व किया, सर्विस का टाइम कितना है। तो पता चला पहला जो है मान लीजिए अमित था ब्लास्ट डस्ट, और इसने 6 महीने सर्व किया, सुमित था 8 महीने सर्व किया। तो हमारे पास सबका डेटा है, एज था, नेम था, जेंडर, सैलरी, और कितने महीने सबने सर्व किया। तो अब मेरे बॉस मान लीजिए जानना चाहता है कि एक मॉडल बनाओ कि लोगों का, अब देखो इस ये डेटा है, इसकी बेसिस से एक मॉडल बना दो कि कोई भी नया एम्प्लॉय में हायर करो, ठीक है, उसकी एज, उसका नेम, उसका जेंडर और सैलरी बता दिया मिल जाए, तो मैं प्रेडिक्ट कर पाऊं कि वो कितने महीने कंपनी में टिकने वाला है ना। तो अब ये मेरा डेटा सेट है। तो देखिए मेरे डेटा सेट पे हम लोग कुछ नॉमेनक्लेचर सबसे पहले सीख लेते हैं किसको क्या बोलते हैं। तो ये यहाँ पे हमने क्या बोला कि मेरे बॉस ने जो मुझे प्रॉब्लम बताई, तो प्रॉब्लम की बेसिस पे क्या था, मुझे प्रेडिक्शन क्या करना था, सर्विस, ठीक है। तो प्रेडिक्शन क्या, ये हो गया प्रेडिक्ट जिसको करना है, ये मैंने जज किया किस बेसिस पे, मेरी जो प्रॉब्लम थी बिजनेस प्रॉब्लम, तो मेरी बिजनेस प्रॉब्लम की बेसिस पे मैंने डेटा में से क्या प्रेडिक्ट करना वो वाला कॉलम चुना, इसको मैंने नाम दिया टारगेट, ठीक है। और वो डेटा सेट जिसकी बेसिस पे मैं ये प्रेडिक्ट करने वाला, इसको नाम दिया इनपुट, ठीक है। तो ये एक जनरल हमारा डेटा है जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए एक ऐसी मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम, यानी मेरे बिजनेस की ऐसी प्रॉब्लम जिसमें मेरे पास टारगेट वेरिएबल अवेलेबल हो, इनपुट तो रहेगा ही रहेगा, बिना इनपुट के तो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कुछ भी, तो इनपुट तो है ही, लेकिन अगर टारगेट वेरिएबल भी दिया हुआ हो, ऐसी प्रॉब्लम्स को, ऐसी प्रॉब्लम्स में हम लोग को बोलते हैं सुपरवाइज्ड, और इसमें सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स लगेंगे, ठीक है। अच्छा अब ऐसी एक प्रॉब्लम हमारे पास डेटा, हाँ जी, हाँ जी सर, एक बार रिपीट करेंगे। हाँ देखिए हमारे, इसको मैं इरेज करके फिर से लिखता हूँ, हमारे पास हमारा कोई भी बिजनेस प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम अपनी डिफाइन करनी होगी कि भाई क्या हमें, हमारे बॉस ने जो प्रॉब्लम क्या डिफाइन, उसकी बेसिस पे मुझे थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी।
सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि भाई अगर मेरे बॉस ने मुझे कहा है कि देखो कौन सा एक प्रिडिक्शन करके दो कि कौन इम्प्लॉय कितने महीने काम करेगा, तो पहले मैं स्टडी करूंगा कि यार एक इम्प्लॉय कितने महीने काम करता है नहीं करता, इसमें कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो इसकी बेसिस पर मैं डेटा कलेक्शन शुरू करूंगा अपने ऑफिस में। मैं कहूंगा कि यार पुराने आर्काइव में से डेटा निकाल के दो सारे इम्प्लॉयज का जब से हमारी कंपनी बनी है। तो चलिए मेरी कंपनी 10-15 साल का, जितने साल का मिल जाए संभव। तो मुझे मिला क्या, एज मिल गई। तो मुझे लगा ठीक है एज एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है भाई, सैलरी उन्हें क्या मिल रही थी ठीक है, और जेंडर क्या था, और भी बहुत सारी चीजें कि उनको जो भी आप करके उनको कितना प्रमोशन मिला एक्सेट्रा जो आप कर सकते हैं। तो बेसिक हम लोग इतना मान के चल। और मेरे बिजनेस डोमेन मेरे बॉस ने जो बताया तो उसके हिसाब से मैंने प्रॉब्लम में क्या प्रेडिक्ट करना वो डिसाइड कर लिया कि भाई सर्विस भी है ठीक है। अब इसको जिसको प्रेडिक्ट करना था उसको मैंने दिया नाम टारगेट ठीक है, और इन ये इनपुट है जो भी मैंने अपने नॉलेज की बेसिस पे डिसाइड किया कि भाई ये रखना है। तो देखिए इनपुट तो हमेशा रहेगा, इनपुट की बेसिस पे मुझे जजमेंट करना। अगर मेरे जो मुझे प्रिडिक्ट करना है ठीक है वो वाला डेटा अगर मेरे पास है मेरे टेबल में ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपरवाइज्ड। यानी कि यहाँ पे ऐसे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगेंगे जो कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यानी कि जिसमें टारगेट वेरिएबल अवेलेबल है, टारगेट वेरिएबल उपलब्ध है, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है हम हिस्टोरिकल डेटा पे यूज करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा को उठाते हैं उस पर एक मॉडल बिल्ड करते हैं और उसका यूज करते हैं फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए है ना। तो मैंने हिस्टोरिकल डेटा उठाया और हिस्टोरिकल डेटा में मैंने बिजनेस प्रॉब्लम थी कि कितने दिन आदमी सर्व कर रहा है ये सबका दिया हुआ था, सबका मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो ऐसा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो टारगेट वेरिएबल अवेलेबल होता है जिसमें, उसको सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज करते हैं। सर अगर टारगेट ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास, इनपुट भी है टारगेट भी है, तो फिर हम कर क्या रहे हैं, हर चीज तो है हमारे पास अवेलेबल, बेसिकली हम टारगेट फाइंड करते हैं ना। नहीं देखिए टारगेट आपके पास है और इनपुट भी है जो भी आपने डिसाइड किया, इसकी बेसिस पे देखिए क्या है हमारे पास, टारगेट है इनपुट भी है ना, इसकी बेसिस पे y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शनल फॉर्म खोजते हैं है ना। अगर मैं एक फंक्शनल फॉर्म अच्छा सा खोजने में सफल हो पाया तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका यूज करूंगा और मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट करना कर पाऊंगा ना। देखिए एक छोटा बच्चा भी होता है, एक आदमी को क्या बोलते हैं कि तजुर्बा, तजुर्बा सब कुछ, तजुर्बा क्या है, उसने जिंदगी में जो सीखा उसकी बेसिस पे भविष्य के बारे में बोलता है कि अच्छा ये कुछ ऐसा होता है ना। सपोज एक एग्जांपल देखिए कि मेरे मैंने मैं बैंक में कर्मचारी हूं और मैंने लोगों का डेटा कलेक्ट किया कि एक आदमी बैंक में कितने बजे आया ठीक है और कितने बजे गया, इसको मैंने इसको नाम दिया एक्स इसको वाई ठीक है, इन आया और कितने बजे गया यानी कितने देर में फ्री हो गया, मैंने इसको लिखा 10:30 बजे, ये 10:45 पर गया, इसी तरह ढेर सारा डेटा जनरेट कर लिया। अब मेरे पास क्या है, दो वेरिएबल है, अब मुझे यार करना था कि एक मॉडल बना लूं जिससे कि मैं क्या हो कि कोई भी आदमी आता है बैंक तो मैं बता दूं कि भाई अप्रोक्सीमेटली तुम इतने बजे फ्री होके चले जाओगे, यानी हमारे बैंक में इतना टाइम लग जाता है काम करने में है ना। तो क्या ये हिस्टोरिकल डेटा है आने और जाने का है, क्या इसकी बेसिस पर मैं बता पाऊंगा कि कोई आदमी आ रहा है तो कितने बजे चला जाएगा है ना। हर एक डेटा का अलग टाइमिंग है ना, इसके बेसिस पे मुझे एक सिंगल जनरलाइज्ड थियरी बनानी है जिससे कि मैं कोई भी आए तो मैं बता सकूं कितने बजे जाए ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने इसको लाइन के इक्वेशन पे फिट किया, वाई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन ठीक है। ये डेटा है मान लीजिए ये एक्स है ये वाई है, ये कुछ डेटा पड़ गया है ना। अब देखिए डेटा में ये जो मेरा डेटा है अगर मैं इसमें एक लाइन किससे प्रेडिक्ट करना चाहूं तो देखिए अगर मैं इसको मिलाऊं तो कुछ ऐसी लाइन बनेगी ठीक है, भाई इतने बजे आया तो इतने बजे चला जाएगा, इतने बजे आया तो इतने बजे चला जाएगा, यही है ना। तो लाइन को अगर मैं ड्रा कर दूं, अब देखिए मैं ये वाली लाइन तो खींच नहीं सकता, इसने नहीं खींच सकता क्योंकि ये नॉन लीनियर है। अब नॉन लीनियर क्यों नहीं ड्रा कर सकता, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स में ही नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है
और ये क्या, ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे भाषा, अगर मेरे पास विचार होंगे तो मैं से हिंदी में, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज होने से क्या होता है, अगर आपके दिल में थॉट होगा तभी तो आप उसे एक्सप्रेस कर पाएंगे, अगर थॉट नहीं होगा तो वेरियस लैंग्वेजेज जान के क्या फायदा। तो जब मैथ में नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आ जाएगा तो हमारे पास, हम उसको पाइथन में लिख लेंगे, जवाब लिख लेंगे, जिसमें चाहे उसमें लिख लेंगे। हमारे पास अभी क्या तरीके हैं कि हम एक लीनियर लाइन ड्रा कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ड्रा कर सकते हैं, लॉगरिथमिक ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, एस शेप सिग्मॉइड ड्रा कर सकते हैं। तो चलो कोई फिट करके देखते हैं। तो सपोज हम एक लीनियर लाइन फिट कर रहे हैं, इनमें बेस्ट, अगर ये लीनियर लाइन मैंने फिट की तो क्या हुआ, मैं बताऊंगा कि इतने बजे आया तो इतने बजे जाएगा, इतने बजे आया तो इतने बजे जाएगा, यही तो है प्रेडिक्शन। अगर मैंने बेस्ट लाइन फिट कर दी तो इस लाइन के कुछ पैरामीटर होंगे ना, वही तो मुझे जज करना है, क्योंकि हर एक का थोड़ी करने जाऊंगा। तो ये जनरलाइज सॉल्यूशन हो गया। तो इस लाइन का क्या होता है, एक इंटरसेप्ट है और एक स्लोप है, बीटा नॉट इंटरसेप्ट हो गया, बीटा वन स्लोप हो गया। मान लो मैंने ये 1000 डेटा था, 1000 डेटा को मैं रखूं, यानी वाई वन इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन, तो 1000 डेटा के लिए मुझे 1000 बीटा नॉट बीटा वन मिलेंगे, है ना। अब देखिए, यानी कि 1000 बीटा, देखिए एक बात समझिए, मेरे पास दो अननोन वैल्यूज है सपोज ए और बी, तो क्वाड्रेटिक के हिसाब से मुझे कितने इक्वेशन चाहिए ए और बी की वैल्यू जानने के लिए। दो इक्वेशन, सपोज ए प्लस बी इक्वल टू 10 दिया है, ए माइनस बी इक्वल टू 4 दिया, अगर दो इक्वेशन है और दो अननोन वैल्यू है तो मैं सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू ले लूंगा। यहाँ बीटा नॉट बीटा वन 1000 रोज है और मुझे निकालनी है सिर्फ दो अननोन वैल्यू, तो मेरे पास 1000 वैल्यूज आएंगे, तो यानी कि मुझे बेस्ट निकालना है। तो अभी बताएंगे क्या तरीके हैं बेस्ट निकालने के। सपोज मैंने निकाल लिया बीटा नॉट 0.4 बीटा वन इक्वल टू 2, तो अब क्या हो गया, बीटा नॉट 0.4 और बीटा वन क्या है सपोज 2, तो अब देखिए मेरा इक्वेशन बन गया। अब कोई आया मान लीजिए 5 बजे, तो 2 से मल्टीप्लाई किए, 0.4 सम किए, तो y की वैल्यू आ गई। जो y की वैल्यू आई यही तो प्रिडिक्शन है, पूरी प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में हम लोग बस इतना ही काम करेंगे, चाहे आप मशीन लर्निंग में कर रहे हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हो, डीप लर्निंग कर रहे हो, सिर्फ यही फिट करेंगे हम लोग। यानी ये फिट करने में देखिए, हिस्टोरिकल डेटा की बेसिस पे मैंने बेस्ट कोफिशिएंट निकाले, अब इसको इक्वेशन में रख के मैं प्रिडिक्शंस कर रहा हूं, है ना, इतना ही काम है बस प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में और कुछ भी नहीं है। अब देखिए इसी को, अब इसको फिट करने के लिए क्या है, ये देखिए वाई हमारा टारगेट वेरिएबल है जो प्रिडिक्ट करना है और एक्स मेरा इनपुट है, तो ये क्या है टारगेट वेरिएबल और इनपुट, यहाँ टारगेट वेरिएबल अवेलेबल है, अब मुझे इसका केवल बेस्ट फंक्शनल फॉर्म खोजना है ना। मैं खोज लू तो मैं फ्यूचर का, अब आने वाले समय का प्रेडिक्शन कर पाऊंगा, इतना ही हमें करना, ठीक है। तो जिसमें टारगेट वेरिएबल भी अवेलेबल हो वहां पे हम लोग सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को दो पार्ट में डिवाइड किया, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछिए अभी। नहीं सर, समझ में आ गया, थैंक्स। अच्छा अब देखिए, अब ये सुपरवाइज्ड था तो इसका मतलब इसका उल्टा क्या हुआ, अनसुपरवाइज्ड हुआ, यानी मेरे पास इनपुट है, ठीक है, डेटा है कि भाई कलर दिया हुआ है, शेप दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है ना, और टारगेट ये क्या चीजें हैं कुछ पता नहीं। अब इनकी बेसिस पे मुझे जज करना है, इनको कुछ क्लस्टर्स यानी ग्रुप्स में डिवाइड करना है। अब देखिए वहां पे क्या था कि देखिए वाई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन, तो आप जो भी एक्स बीटा नॉट बीटा वन निकाले, वाई सुपरवाइज कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है टीचर, या इसको फिट करने में पूरी मदद कर रहा है। अगर वाई ना हो तो बेस्ट फिट हम नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जहां टारगेट वैल्यू वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, इसीलिए सुपरवाइज हम 99% केसेस में, या फिर जब तक संभव हो हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज करने का ही कोशिश करते हैं, क्योंकि अनसुपरवाइज में प्रॉब्लम क्या है, देखिए अनसुपरवाइज टारगेट वेरिएबल है नहीं, हम लोगों ने कुछ मेथड लगा के इसको क्लस्टर में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 क्लस्टर में, और हम कोई भी डेटा आ रहा है उसका कलर शेप और वेट है तो हम बता दे रहे हैं कि वो किस क्लस्टर में हो रहा है।
इन क्लस्टर्स को किसी से मिला के जज भी कर लिया कि मान लीजिए ये एप्पल है, ये बनाना है, ये मैंगो है, ठीक है, हम उनके कलर उसकी बेसिस पे जज कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी एक बात समझिए, टेस्टिंग है ना यहाँ पे, तो क्या है कि ये मैंने प्रिडिक्ट किया, यानी कि वाई था एक्चुअल और प्रिडिक्ट किया वाई डैश, तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा कि भाई मैं कितना सही था। पर हिस्टोरिकल डेटा का एक्चुअल वाई भी तो है कि वो गया कि नहीं गया, या कितने महीने में कंपनी छोड़ के गया, तो मैं देख पाता हूं कि मेरा मॉडल कितना अच्छा, मैं मेजर कर पाता हूं। लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग में कोई टारगेट है ही नहीं जिससे मैं कंपेयर कर पाऊं कि मैं कितना अच्छा जजमेंट कर पा रहा हूं, तो ये समस्या अभी भी बनी हुई है ना। देखिए टारगेट का मतलब क्या होता है कि मैंने बोला कि मैं लंबा हूं, तो इसका क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है जब तक मैं ये ना बोलूं कि मैं किससे लंबा हूं। भाई लंबा होने की तो कोई लिमिट नहीं है ना, किसी बच्चे से भी पूछिए कि गिनती आती है, तो बोलता है हाँ 100 तक आती है, मतलब 100 तक आती है, उसने लिमिट बता दी। यानी मेजरमेंट का एक एक्सिस है ना, एक एक्सिस है कि भाई एक एक्सिस पे आप मूव कर रहे हैं, आप मेजर कर सकते हैं, नहीं तो गिनती में क्या। मैंने कहा, किसी ने कहा कि मुझे एन तक आती है, तो मैं बोल दूंगा मुझे एन प्लस वन तक आती है ना। तो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जहां पे मेरे पास टारगेट वेरिएबल नहीं है, हमने हिस्टोरिकल डेटा जमा कर लिया और टारगेट नहीं है कि क्या जज करना है, या जो भी क्लस्टर्स को ग्रुप्स में डिवाइड करना, हमें पता नहीं है कि ग्रुप्स क्या है एक्चुअली, तो हम लोग क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं। और ये जो डेटा है जिसमें टारगेट वेरिएबल नहीं है, वहां जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगाते हैं वो कहलाते हैं अनसुपरवाइज्ड, ठीक है, यानी कि कोई सुपरवाइज करने वाला है ही नहीं। तो हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम मोटे तौर पर दो पार्ट में डिवाइड हो गए, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड, ठीक है। आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, देखिए आप लोगों ने कभी देखा नहीं, जैसे गुड़गांव में बहुत सी कंपनियां, देखिए सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेस्टिंग में आप टेस्ट भी कर पाते हो कि आपने एक्चुअली जो इतनी मेहनत करके मॉडल बनाई है एक्चुअली परफॉर्म कैसा कर रहा है। देखिए जितना भी लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, तो क्या है, एक तरफ इनपुट में, अब लैंग्वेज ट्रांसलेशन में क्या हुआ, इनपुट में क्या है हिंदी, और आउटपुट में क्या है उसका इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट करके लिखा गया, तो मशीन नहीं कर रही है। देखिए इसको मैनुअली लिखवाया गया, तब जाके ये डेटा सेट तैयार हुआ, जब डेटा सेट तैयार हुआ तब जाके हम लोगों ने मॉडल बनाया है ना, और यही सेम मॉडल यही बनाया रिग्रेशन का जो भी फिट किया है। और जब मॉडल बनाया तो याद कीजिए, आप गूगल ट्रांसलेटर में जब जाते हैं तो वो पूछता है कि इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश, तो पहले आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करने वाले हैं, तो बैकहेंड में वो लैंग्वेज वाला मॉडल फिर एक्टिवेट हो जाता है। और ये मॉडल जो डेटा सेट है जिसपे मॉडल बना है, वो डेटा सेट को मैनुअली तैयार किया गया, हिंदी में लिखा है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया गया ट्रांसलेटर्स द्वारा, फिर मॉडल बनाया गया। अब मॉडल बनाया तो कुछ भी हिंदी में लिखते हैं तो उसको ट्रांसलेट कर देता है। सेम यही चैटबॉट में है, चैटबॉट में क्या कि ये बात कह रहे हैं तो ये बात होगी, तो इस पे एक मॉडल बनाया गया, लिखवाया गया, पहले डेटा सेट तैयार कर। देखिए अगर ये इतना इजी होता तो कोई भी मॉडल बना लेता। आज की तारीख में मैं आपको एक बात बताता हूं कि गुड़गांव में 50 से भी ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जहां पे गूगल ने डेटा सेट तैयार करना को आउटसोर्स कर रखा है। आउटसोर्स करने का मतलब है कि वहां पे लोग बैठे हुए और डेटा सेट तैयार करते हैं। कैसे डेटा सेट तैयार करते हैं, उनको वो देता है लैंग्वेज, उसको ट्रांसलेट करते हैं, उनको देता है इमेजेस, जैसे पिजन है तो वो लिखते हैं पिजन, ठीक है, आपके शहर के गांव के जितने भी दुकानों पे बोर्ड है उसकी इमेजेस है, उसको वो लिखते हैं बोर्ड पे क्या लिखा हुआ, फिर इस पे एक मॉडल बनता है, ऐसे डेटा सेट प्रिपेयर होता है, फिर मॉडल बनता है, ठीक है, फिर मॉडल से क्या होता है कि हम उस मॉडल को, मॉडल क्या, मॉडल बना के हम लोग क्या क्या बेस्ट कोफिशिएंट वही बीटा नॉट बीटा वन जितने भी वेरिएबल अप टू बीटा है, फिर हम लोग इनपुट डाल के इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वाई हम लोग प्रेडिक्शन ले लेते हैं और बता देते हैं क्या है, ठीक है, पर पता है ये सब चीजें डिटेल में। तो ये हमारा काम, तो डेटा सेट प्रिपेयर किया जाता है। आप ये समझिए कि जो सबसे पहला इमेज रिकॉग्निशन का मॉडल था, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सबसे पहला मॉडल बनाया वीजीजी, विजन ज्योमेट्री ग्रुप। तो उन लोगों ने क्या किया कि करोड़ों रुपए खर्च किए सिर्फ डेटा सेट तैयार करने में, सबसे पहले कि इमेजेस ली उन्होंने 10 मिलियन इमेजेस ली और उसको मैनुअली एनोटेट करवाया है ना।
आप देखेंगे कि कभी भी आजकल मोबाइल में ऐप्स रहती है, तुरंत आप तुरंत डाउनलोड करें, वो ऐप में क्या कि उसका कैमरा ऑन करके किसी भी चीज पे ले जाइए तो वो क्या करता है, बता देता है कि लैपटॉप है कि टेबल है कि माइक है क्या चीज है। एक्चुअली वो वीजीजी मॉडल है, इन्होंने ऑनलाइन दे रखा है, ऐप बनाना किसी को भी आता है तो आप वीजीजी मॉडल को डायरेक्ट उसमें लिंक दे दीजिए, जो आप करेंगे तो वो वीजीजी मॉडल बना हुआ है, आपको बनाना भी नहीं है, मैं सिखाऊंगा आप लोगों को इसमें कोर्स में एनएलपी वाले पार्ट में, एनएलपी वाले पार्ट में, क्योंकि इमेज इमेज को टेक्स्ट जनरेट करते तो वो सब चीजें पढ़ाऊंगा, तो उसके लिए इमेज वाला भी पढ़ाना पड़ेगा, तो उसमें बताऊंगा कि वीजीजी मॉडल कैसे आप सीधे इम्पोर्ट कर सकते हैं, इम्पोर्ट कर लीजिए, बनाना भी नहीं है स्क्रैच से, और आप अपना जो है इमेज डाल दीजिए उसको प्रिडिक्ट करेगा। तो इन्होंने 10,000 10,000 चीजों के लिए ऑलरेडी बना रखा, तो इन्होंने दो तीन मॉडल बनाए। मान लीजिए आप हैवी नहीं यूज करना चाहते तो एक हल्का बना जिसमें 1,000 चीजें वो प्रिडिक्ट कर सकता है, दूसरा है 10,000 चीजें प्रिडिक्ट करने वाला। तो लोग क्या करते हैं, ऐप बना देते हैं, डायरेक्ट उसका लिंक दे देते हैं वीजीजी मॉडल का, तो डेटा सेट तैयार करें। देखिए एक बड़ी बात है, कभी आप लोगों ने सुना हो कि डेटा इज द न्यू ऑयल, है ना? तो देखिए मैं इस टर्म में बात कहता हूं कि डेटा सिर्फ न्यू ऑयल ही नहीं है, ये बहुत छोटा टर्म हो गया डेटा इज द न्यू ऑयल। मेरे ओपिनियन में कि डेटा इज एवरीथिंग। अब नया जो साम्राज्य, आप देखिए बीच में कोरोना आ गया, दुनिया किस तरफ जाती है, है? तो ये तो पूरा कोर्स ही चेंज हो गया। नहीं तो मैं ये कहता था कि आपने उपनिवेशवाद पढ़ा होगा, कॉलोनियलाइजेशन, ठीक है, कैसे बड़े बड़े अमेरिका, ये ब्रिटेन, फ्रांस और ये पोर्तुगीज, स्पेन, ये दुनिया के कंट्रीज को अपना उपनिवेश बना रहे थे, कॉलोनीज, और वहां से सारा रिसोर्सेज ले लेते थे। देखिए डेटा कॉलोनाइजेशन का जमाना आ जाएगा, क्योंकि जिस देखिए मॉडल बनाना तो एक पीस ऑफ नॉलेज है, मैंने पढ़ लिया फिर मैंने आपको बता दिया, आप अपने दोस्तों को बता दिए, सबको आ गया, है ना? लेकिन राज कौन करेगा, जिसके पास डेटा है। मेरा मॉडल उतना ही अच्छा होगा जितना अच्छा डेटा होगा, है ना? तो यानी दुनिया पर राज कौन करेगा, जिसके पास डेटा है। डेटा किसके पास है, गूगल के पास है, अमेजन के पास है। अमेजन अपना चैटबॉट ओपन कर रखा है, AWS पे जाइए, छोटी थोड़ी सी फीस जो यूसेज की फीस है, वो तो केवल यूसेज की फीस मांगता है, किसी प्रोडक्ट की फीस तो मांगता नहीं, तो यूसेज की फीस है, उसमें लेक्स बना रखा है उसने अपना ऑलरेडी चैटबॉट। लेकिन वो क्या है, हमारे कंडीशन अच्छा वर्क क्यों नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो हमारे, हम लोग जो आमतौर पर इंग्लिश या हिंदी बोलते हैं, उस लोकलाइज डेटा सेट पे नहीं बना है ना वो मॉडल, तो उसी लेक्स पे उन्होंने ए लगा दिया, तो बन गया अलेक्सा, ए फॉर ऑडियो, यानी ऑडियो लेक्स, ऑडियो चैटबॉट, है ना? तो ये चीजें हैं। तो दुनिया में कॉलोनाइजेशन आ जाएगा, कॉलोनियलाइजेशन, और वो करेंगे राज जिनके पास डेटा सेट होगा, क्योंकि उनको पता है कि आपके गांव की दुकान के जो पोस्टर उस पे भी क्या लिखा है, वो आइडेंटिफाई कर पाएगा। सपोज मशीन वार होती है, कुछ भी होता है, तो आपकी भारी भरकम मशीन खुद को ही मार लेगी, लेकिन उनकी मशीन इंटेलिजेंट होगी, वो आइडेंटिफाई करेगी, पिक करेगी, उसके बाद लोगों को मारेगी, है ना? तो सब कुछ डेटा पे। चलिए, तो ये था हमारा सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। अब देखिए इसमें एक वर्ड आ गया, सेमी सुपरवाइज्ड। सेमी सुपरवाइज्ड क्या है, एक मेरा एक ऐसा डेटा सेट जिसमें आधा में तो टारगेट वेरिएबल है लेकिन आधे में टारगेट वेरिएबल नहीं है, यानी आधा डेटा में टारगेट आधे में नहीं है। ये कब होता है, जैसे इमेज वगैरह का डेटा है तो पता चला बहुत, उसमें क्या है, मैनुअली एनोटेट कराने में बहुत खर्चा होता है, तो गूगल वगैरह तो करवा सकते हैं, अमेजन वगैरह करवा सकते हैं, लेकिन एक छोटी कंपनी वो कहां से करवाएगी, उसके पास इतना पैसा कहां है? तो अब उसके पास क्या, इमेजेस तो है लेकिन मैनुअली एनोटेट नहीं किया हुआ है। अब सपोज मेरे पास कुछ डेटा सेट है, आधा डेटा सेट जो मैनुअली एनोटेट करवाए और आधा नहीं है, तो ये कहलाया सेमी सुपरवाइज्ड, ठीक है? तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका, जो सुपरवाइज्ड वाला डेटा इस पे मॉडल बना लीजिए, ठीक है, मॉडल बन गया, उस मॉडल का यूज करके बचे हुए डेटा सेट पे प्रिडिक्ट कर लीजिए कि भाई इनके क्या नाम है। अब इन दोनों डेटा सेट को मिला दिए, पूरा कंप्लीट टारगेट वेरिएबल हो गया। अब पूरे को मिला के अपना मॉडल बना लीजिए, ठीक है? तो ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, देखिए, अब देखिए सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है हमारे, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लासो रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन, इलास्टिक नेट, ठीक है। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है हमारे के नियर सॉरी
के मीन क्लस्टरिंग, हायरार्कियल क्लस्टरिंग, ठीक है, और डीजी स्कैन, ये सब कुछ नए आ गए हैं, हैं? तो बहुत ज्यादा हमारे पास अनसुपरवाइज में नहीं है। चलिए, अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं, इसको चाहे तो आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, ये नॉमेनक्लेचर। अब हम लोग जो शब्द यूज करेंगे वो क्या वर्ड यूज करने वाले हैं, ठीक है, तो कुछ नॉमेनक्लेचर देख लीजिएगा। एक काम करता हूं, मैं एक प्लेन पेज निकाल लेता हूं, तो आप उसकी इमेज ले लीजिएगा, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, मैं होप करता हूं कि आपको दिख रहा होगा प्लेन पेज। तो देखिए, मैं कुछ नॉमेनक्लेचर बताने जा रहा हूं कि हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं मशीन लर्निंग में, क्या टर्म यूज करेंगे। देखिए, ये हमारा एक लाइन का इक्वेशन है, वाई जकल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन। देखिए, ये हमारा इक्वेशन है, ये डेटा है हमारे पास, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो देखिए, अभी तक स्टैटिस्टिकल टेस्ट में इसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहे थे, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। मशीन लर्निंग में हम लोग इसको टारगेट वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। देखिए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जब तक कर रहे थे तो हम लोग इसको बोलते थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एनडी, ठीक है। मशीन लर्निंग में हम लोग इसको फीचर्स बोलते हैं, आर। अच्छा, इसको नोट मत कीजिए, अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब इसको फीचर्स या एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। देखिए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के दौरान बीटा नॉट और बीटा वन को कोफिशिएंट बोलते थे, जिसमें बीटा नॉट इंटरसेप्ट था और ये स्लोप था, और टुगेदर हम इसको कोफिशिएंट बोलते थे। और मशीन लर्निंग में हम लोग इसको वेट्स बोलेंगे, डब्ल्यू आई जी एच टी एस, ठीक है। ये इसलिए नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप मशीन लर्निंग की किताब पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले कंफ्यूजन शुरू होता है कि वो बोलते हैं वेट्स, टारगेट वेरिएबल, फीचर्स, ठीक है। तो क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते कि ये क्या बात कर रहे हैं, और वहीं पर डिमोरलाइज हो जाते हैं, ठीक है, वेट्स बोला। अच्छा, अब देखिए, ये मैंने, ये तो मेरा एक्चुअल वैल्यू है, और ये है मेरा, मैंने मॉडल बनाया और प्रिडिक्ट किया वाई डैश, ठीक है। तो एक्चुअल प्रिडिक्टेड वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू जो वाई माइनस किया, तो इसको हम लोग अभी तक बोलते थे एरर। भाई, ये क्या हुआ, प्रिडिक्टेड हुआ, मान लीजिए ये था 10 बजे, मैंने प्रिडिक्ट किया 10:30 बजे, तो मैंने 30 मिनट्स की एरर की ना, तो माइनस किए तो एरर आ गया, इसको एरर आर रेसिडुअल बोलते थे। अब हम लोग इसको बोलेंगे कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। अच्छा, देखिए, अब हमारा जो डेटा सेट होता था, हेडर से सपोज नेम, एज, नेम एज, ये तो फीचर्स हो गए, ये डेटा सेट है 1, 2, 3, 4, इसको अभी तक हम लोग रिकॉर्ड और ऑब्जर्वेशंस बोलते थे, ठीक है। अब इसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंसेस, ठीक है। ये हमारे कुछ नॉमेनक्लेचर है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को जो हमें याद रखने हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मुझे बता दीजिएगा, तब फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा। ले लिया सर, ठीक है। तो हाँ, इरेज करूं इसको मैं जी, ठीक है। ठीक है, ये कुछ नॉमेनक्लेचर ये हमें ध्यान रखने हैं। अब हम जो भी मशीन लर्निंग करेंगे तो ये हमारे पास ये वर्ड्स ही आएंगे। पीपीटी खोला था मैंने, राइट, सॉरी, ठीक है। देखिए,
अब देखिए हम लोग आते हैं एक टर्म है। अब देखिए इंटरव्यूअर अब इंटरव्यू के इंटरव्यू में आपसे जब भी जाएंगे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में, तो आपको एक क्वेश्चन पूछेगा बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ क्या है। ठीक है, तो देखिए एक सेकंड ऑन कर लेता हूं। देखिए अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, ये देखिए अभी मैं पढ़ाऊंगा जैसे लीनियर रिग्रेशन है। ठीक है, जितने भी पैरामेट्रिक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, यानी कि पैरामेट्रिक, इसमें एक फिक्स फंक्शनल फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए फिक्स फंक्शनल फॉर्म है तो इसमें क्या पहले से कुछ प्री एजम्पशंस रहते हैं। प्री एजम्पशंस यानी कि जैसे अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी जानने के लिए जान लीजिए बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ क्या। तो पहले से क्या होते हैं, पहले से एजम्पशंस रहते हैं, कुछ बेसिक एजम्पशंस। तो लीनियर रिग्रेशन जितने भी पैरामेट्रिक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसमें कुछ बेसिक एजम्पशंस जैसे डेटा शुड बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि डेटा जो है इनपुट जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ठीक है, इनपुट और आउटपुट के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होनी चाहिए। ठीक है, एरर जो वाई माइनस वाई डैश है वो जो है रैंडम और नॉर्मल होना चाहिए, रैंडम होना चाहिए और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। इनपुट्स के बीच में मल्टीकोलिनियरिटी यानी कि रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, यानी इनपुट्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब देखिए बिल्कुल वैसे ही कि हम बहुत सारे पहले से एजम्पशन लगा रहे हैं कि देखो हमारे यहाँ पार्टी है, जो लोग व्हाइट सूट पहन के आएंगे, रेड टाई पहन के आएंगे और हैट लगाए होंगे, सिर्फ उन्हीं को एंट्री है। तो क्या हो गया, मैंने पहले से बायस इनकर कर दी। तो जितने भी पैरामेट्रिक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है उनमें मैं शुरू में ही एक बायसनेस डाल रहा हूँ कि देखो ये नॉर्मल हो तो आओ, और देखो इनपुट वही रहे जिसका टारगेट वेरिएबल के साथ कोई रिलेशनशिप हो, है ना, कि भाई रिलेशनशिप नहीं हो तो तुम क्या प्रिडिक्ट करोगे। अब भाई एरर जो है वो रैंडम होनी चाहिए, यानी कोई पैटर्नलेस, लेकिन अगर उसको प्लॉट करो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करे, तभी मैं लगाऊंगा लीनियर रिग्रेशन। तो क्या हुआ, ये कुछ पहले से एजम्पशन रखती है। तो देखिए इसके फायदे क्या है कि जब आप प्रिडिक्ट करते हैं वाई डैश तो इसमें बहुत डिफरेंसेस नहीं आता, ये कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा आप देखिए इसी के उलट जैसे डिसीजन ट्री है, के नियरेस्ट नेबर है, ये सब जो है नॉन पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है। इनमें क्या है कि जो थोड़ा सा भी डेटा सेट चेंज हो गया तो वाई डैश जो है बहुत ही वेरियंस होता है इसमें, लेकिन इसमें कोई बेसिक अजम्पशन नहीं होता। जैसे लीनियर रिग्रेशन में बेसिक अजम्पशन है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। डिसीजन ट्री केएनएन कहते हैं कि आई नीड नो डेटा प्रिपरेशन, मुझे कोई डेटा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं, आप एज इट इज लगा दीजिए, कोई तैयारी मत कीजिए। तभी आप देखते होंगे कि कैगल के जितने भी अवार्ड विनिंग एल्गोरिदम है वो जो है नॉन पैरामेट्रिक एक्सजी बूस्ट है। आप जब देखेंगे कैगल का विनर एक्सजी बूस्ट एल्गोरिदम लगाया, क्यों, क्योंकि एक्सजी बूस्ट एल्गोरिदम में कोई डेटा प्रिपरेशन नहीं चाहिए। दूसरी चीज, मिसिंग वैल्यू एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही कर लेगा, और हम जो हमारी टेक्निक उससे बेहतर करता है ना। लेकिन इसका रिजल्ट क्या होता है कि इसके रिजल्ट्स में बहुत वेरिएशन आता है, वेरियंस। तो अब क्या है, जो हमारा एरर होगा, यानी कि एरर जिसको कि हम लोग मीन स्क्वायर एरर सपोज कहते हैं। ठीक है, अब मीन स्क्वायर एरर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बायस का स्क्वायर प्लस वेरियंस। ठीक है, वाई माइनस वाई डैश एरर जो है वो बायस का स्क्वायर प्लस वेरियंस होता है। अब देखिए एरर आप कम कीजिए ज्यादा कीजिए, उसी प्रोपोर्शन में दोनों कम होंगे। लेकिन अगर आप किसी फैक्टर को, किसी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में वेरियस फैक्टर्स हैं, किसी फैक्टर को अगर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और उसका वेरियंस पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो यानी वेरियंस अगर कम हुआ तो इसका मतलब बायस बढ़ेगा, और अगर आप बायस को कम कर रहे हैं तो वेरियंस बढ़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, बायस और वेरियंस को बैलेंस रखना है, मीन स्क्वायर एमएससी मतलब मीन स्क्वायर एरर। तो बायस और वेरियंस को ट्रेड ऑफ कहते हैं, कि इनको हमें बैलेंस रखना है। तो बैलेंस रखने का क्या तरीका, देखिए बायस में तो हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, याद रखिएगा, इंटरव्यू पूछे तो बोलिएगा कि हमें ट्रेड ऑफ करना होता है, क्योंकि बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जिनमें वेरियंस बहुत ज्यादा होता है।
तो देखिए बायस वाल में क्या है कि बायस में तो हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वेरिएंस को कंट्रोल कर सकते। कैसे? नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बढ़ा के, है ना, उसके जो भी सर्टेन डिसीजन ट्री और KNN वगैरह के जो भी सर्टेन पैरामीटर्स हैं उनको कम ज्यादा करके हम वेरियंस को कम कर सकते हैं। तो वेरियंस कम होगा तो बायस बढ़ेगा, लेकिन मतलब क्या, इन दोनों को एकदम तराजू में बैलेंसिंग होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक बात और जानिए, इसको इंडिपेंडेंटली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, याद रखिएगा, हम सिर्फ एरर कैलकुलेट करते हैं, सॉरी एरर कैलकुलेट करते हैं, इसको अलग अलग आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे नॉन पैरामेट्रिक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में वेरियंस ज्यादा है, तो मुझे कुछ उपाय करने हैं कि उसका वेरियंस कम हो जाए। वेरियंस कम, वेरियंस का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि मुझे जज करना था कि भाई देखिए ये क्रेडिट कार्ड लेके भाग जाएगा ये नहीं भागेगा। मैं बैंकों में एक बहुत बड़ा काम होता है, ठीक है, तो वहां सुपरवाइज का लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक एल्गोरिदम उसको फिट करते हैं ये जज करने के लिए कि भाई हम पहले ही जज कर पाए कि किसको क्रेडिट कार्ड देना है किसको लोन नहीं देना है, है ना। तो उसकी बेसिस पे बैंकों के पास 100 साल का डेटा होता है, तो उस पे वो एल्गोरिदम बिल्ड करते हैं। और डेटा क्या होता है कि जैसे आप जाते हैं तो फॉर्म भरवाते हैं कि भाई आप किस इलाके में रहते हैं, आपके और कितने क्रेडिट कार्ड हैं, कितने और लोन चल रहे हैं। क्योंकि तो जनरल परसेप्शन क्या है, 99% केसेस में लोग क्या करते हैं कि एक लोन को भरने के लिए दूसरा लोन लेते हैं। अभी अब मान लीजिए कोरोना का दिक्कत आ गई, अब सबकी कमर टूट गई, नहीं भर पाए EMIs, तो क्या होगा, लोग एक दूसरा लोन लेंगे कि चलो भाई हमारा हमारा जो है हमारी जो रैंकिंग खराब ना हो जाए, लोन फ्यूचर में ही ना देना, लोन को फ्यूचर में लोग बैंक मुझे लोन देना ना बंद कर दे, तो मैं अपनी क्रेडिट बनाने के लिए तो क्या करूं, एक लोन ले लूं, ये लोन भर दूं। अब क्या होगा, ये भर दूंगा तो मुझे दोनों जगह एक ग्रेस पीरियड मिल जाएगा, 6-7-8 महीने साल भर का, और मैं सबको मेंटेन कर लूंगा, इस दौरान इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, है ना। तो क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कितने और लोन चल रहे हैं, किस इलाके, अच्छा दिल्ली में है तो दिल्ली के किस मोहल्ले में रहते, बी ग्रेड सी ग्रेड डी ग्रेड, क्योंकि डी ग्रेड के मोहल्ले में रहने वाले लोग लोन रिपे नहीं करते हैं, है ना, तो हमें तो रिपे करने वाला चाहिए। तो हम एक मॉडल बिल्ड कर रहे हैं कि भाई ये डिफॉल्ट है। अब उनका डेटा ये भी है कि कौन डिफॉल्ट किया कौन नहीं डिफॉल्ट किया, टारगेट वेरिएबल भी है 100 साल का डेटा। अब इसकी बेसिस पर मैंने एक मॉडल बनाया और आप आए क्रेडिट कार्ड लेने, तो मैंने एक फॉर्म भरवाया, ठीक है, तो फॉर्म भरवाया, तो फिर मैंने जो है उसकी बेसिस पे मेरा अपना कोफिशिएंट मैंने उस पे डाला, तो उसने बताया कि डिफॉल्ट की नॉट डिफॉल्ट, तो उसी बेसिस लोन अप्रूव हो गया डिक्लेयर। अब देखिए, अब मैंने क्या किया कि मैंने जो मॉडल बनाया, तो मैंने 1000 डेटा सेट पे या 100 साल के जो भी 1 लाख डेटा सेट पे मैंने प्रेडिक्ट किया, प्रेडिक्ट किया, तो मेरा जो है वाई एक्चुअली था 100 लोगों को डिफॉल्टर थे और मैंने प्रेडिक्ट किया 120, तो एरर क्या हो गई, 20 की एरर हो गई ना, यानी मेरा मॉडल जो है 70-80 या 90% टाइम ही सही बता पा रहा है, इतना भी बहुत होता है। तो देखिए हमें क्या करना है, एक सेकंड, क्या बोल रहा था मैं, ये टाइम, तो देखिए अब ये एरर जो है, ये 20 की जो एरर आ रही है, ये क्या कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है बायस और वेरियंस का स्क्वायर, सॉरी बायस का स्क्वायर प्लस वेरियंस। अगर मैं कुछ ऐसा मेथड लगाऊं, अब मैंने क्या किया 70% डेटा फिर लिया और फिर मॉडल बिल्ड किया, तो इस बार एरर आ गई 150, तो 100 और 150 में क्या 50 का एरर आ गया, जबकि अगर पैरामीट्रिक होता तो मान लीजिए 100 है और एरर 20 की है तो 120, अगली बार 70 डेटा सेट चेंज किया तो 100, 120, 123, 125, एरर में बहुत वेरी नहीं कर रहा है, लेकिन डिसीजन ट्री में क्या हुआ, एक बार एक्यूरेसी आ गई 80%, अगली बार आ गई 70%, उसके बाद 60%, तो बहुत वेरी है भाई, किस वाले को मैं सही मानूं। तो क्या होता है कि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट वगैरह बढ़ा के वेरियंस को कंट्रोल करते हैं, तो हमारा बायस जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वेरियंस को कंट्रोल करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पैरामीटर के अलग अलग वैल्यू यानी नंबर ऑफ सैंपल एक्सेट्रा बढ़ा के हम वेरियंस को कम करते हैं, यानी कि बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ करते हैं। तो ये इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आपको कोई सवाल हो तो आप पूछिए, है ना, या फिर एक मिनट का टाइम लीजिए, थोड़ा सोचिए इस विषय में, फिर पूछिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो
ये हमारा बायस वेरियस ट्रेड ऑफ है। ये पीपीटी में सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग। ठीक है, तो देखिए हम लोग मॉडल बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी जैसे मॉडल बिल्ड किया हम लोगों ने कि भाई मॉडल बिल्ड किया और मैंने y माइनस y डैश किया। ठीक है, 80% मैंने ट्रेन पर लिया, मेरे पास टोटल डेटा था 80% और 20% पर टेस्ट किया। 80% पे देखिए ट्रेन करने का मतलब क्या हुआ कि जब मैं ये मॉडल अपना डेटा इस डेटा पे मॉडल बनाऊंगा, है ना, तो जब मॉडल बनाऊंगा तो क्या होगा कि इस सारे डेटा को मेरे मॉडल ने कहीं ना कहीं रीड किया। अब उसमें जो भी उतार चढ़ाव है उस उतार चढ़ाव का इंपैक्ट पड़ा कोफिशियंट के एस्टिमेशन पे, है ना, कोफिशियंट के एस्टिमेशन पे प्रभाव पड़ा। तो एक्चुअल प्रिडिक्शन किस पे होगी, जिसको मेरे मॉडल ने कभी नहीं देखा है, तभी तो हम कह पाएंगे कि भाई अनसीन डेटा है, क्लाइंट के लिए नया फ्रेश डेटा है। तो देखिए मैंने टारगेट लर्निंग ट्रेनिंग, इसको बोलते हैं ट्रेन, इसको बोला टेस्ट डेटा से। तो अगर ट्रेन पे मैंने मॉडल बिल्ड किया, वाई डैश प्रिडिक्ट किया, वाई से कंपेयर किया, तो मेरा रिजल्ट आया 80%। ठीक है, और मैंने टेस्ट डेटा पे गए, टेस्ट डेटा पे आ गया 70%। ये अनसीन डेटा, जैसे बिल्कुल नया फ्रेश मार्केट के डेटा पे। तो देखिए क्या हुआ, मैंने मॉडल अपना बनाया तो इसने 80% रिजल्ट दिया, एक्यूरेसी आ गई 80% टाइम सही बता रहा। अननोन डेटा क्या 70%, तो ये क्या हुआ, ये कहलाएगा, ये कंडीशन कहलाती है ओवरफिटिंग। ठीक है, मतलब ट्रेन पे 80 है और टेस्ट पे 70, यानी जब अनसीन डेटा पे गया तो कम हो गया, यानी कि जब ट्रेनिंग कर रहा था तो मेरा मॉडल ओवर हो जा रहा था, ओवर जा रहा था, ज्यादा बता रहा था। और देखिए मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, रिपीट करेंगे सर एक बार। हाँ, देखिए मॉडल में ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग की बात करते हैं। ओवरफिटिंग का मतलब क्या होता है कि मैंने मॉडल को बनाया और मेरा मॉडल दे रहा है 90% एक्यूरेसी। ठीक है, जैसे कि मोटरसाइकिल बनाई फैक्ट्री में और मोटरसाइकिल 80 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज दे रही, और मैं गया उसे, गया फिर मैंने रोड पे निकाला, नोएडा गुड़गांव में चलाया, तो वो 60 का दे रही थी। तो क्या हुआ, इसको बोलते हैं ओवरफिटिंग, यानी एक्चुअली जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा बता रहा था, यानी फैक्ट्री में हमने जो बनाया था ना तो वो ज्यादा बता रहा है और एक्चुअली में क्या हुआ, फेल हो गया। तो इसको बोले ओवरफिटिंग, यानी कि मेरा मॉडल ओवर जितना होना चाहिए एक्चुअल उससे ज्यादा बता रहा है। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे सही सही चाहिए, है ना, कि भाई फैक्ट्री में 80 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज दे रहे हो, तो जा रहे हो सड़क पे तो बहुत करो, एरो करो तो 81 का। देखिए 2-4% एरर की स्टैटिस्टिक्स कहता है कि एरर तो रहेगी ही रहेगी, एरर को आप कभी नहीं खत्म कर सकते, पहला रूल है। आप बस तरह तरह के मैथमेटिकल मेथड, तरह तरह के नई नई जुगत भिड़ाइए कि एरर को मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, तो मान लीजिए मोटरसाइकिल हमने बनाई 80 का एवरेज दे रही थी, तो बाहर गए तो चलो बहुत करे 81-82 का दे दे 2-4% एरर के साथ, है ना, यानी जो रूम कंडीशन में बना बाहर भी भाई मुझे वो चाहिए, लेकिन मैंने बनाया कमरे में और 80 का दे रही है और बाहर 80-90 का दे रही है, बाहर गई 60 का दे रही है, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं ओवरफिटिंग। तो ये क्या है, डिजायरेबल कंडीशन नहीं है, मुझे ओवरफिटिंग नहीं चाहिए अपने मॉडल में, है ना। मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे 70 का, भले 70 का दो, मार्केट में भी जाके 70 का दो, तो ये सही हुआ। तभी तो क्लाइंट को, अगर मैं क्लाइंट को बोल दिया कि जाइए देखिए मैंने मॉडल बनाया है, आपको 90% प्रॉफिट, 90% ये मॉडल सही बता रहा है कि इतना आप इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट होगा, और मॉडल गया वहां पे फेल हो गया 70% एक्यूरेसी दे रहा, तो उनको क्या होगा, वो इन्वेस्ट करेंगे उनको घाटा होने लग जाएगा। तो क्लाइंट तो ये कहेगा ना कि अरे यार भले तुम 70% ही एक्यूरेसी दे रहा हो, लेकिन मुझे सही बता, है ना, क्योंकि मैं तुम्हारा 90% मॉडल है, इसी तो मैं ओवर इंथुजियास्टिक हो गया, मैं ज्यादा ज्यादा इन्वेस्ट करने लग गया, है ना, मुझे तो प्रॉफिट चाहिए ना, मुझे लॉस नहीं चाहिए, कम प्रॉफिट हो लेकिन प्रॉफिट हो। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरफिटिंग हो, यानी मॉडल
एक्चुअली जितना है और एक्चुअल रियल कंडीशन में जाके, रियल लाइफ कंडीशन में जाके कम बता रहा है, तो ये मेरा मॉडल क्या, ओवरफिटिंग। यानी ट्रेनिंग कंडीशन में, फैक्ट्री में ट्रेन जब कर रहे थे तो वो ज्यादा बता रहा था, बहुत ज्यादा एक्चुअल कंडीशन से, तो वो कहलाती है कंडीशन ओवरफिटिंग की। ठीक है, यानी कि दूसरा पार्ट है अंडरफिटिंग। तो अंडरफिटिंग इसका उल्टा हो गया कि भाई मैंने 80% पे जब ट्रेन किया तो इसने बताया 70%, और जब मैं टेस्ट किया अनसीन डेटा पे, मतलब रियल लाइफ डेटा पे, या अनसीन डेटा मतलब बिल्कुल रियल लाइफ हो गया ना भाई, वो तो क्लाइंट ने ही दिया है। ठीक है, और इसको मैंने ट्रेनिंग में नहीं यूज किया तो मेरे मॉडल के लिए तो बिल्कुल नया है। तो जब टेस्ट डेटा पे किया तो इसने बता दिया 80%, है ना। तो ये क्या हो गया कि भाई रियल लाइफ डेटा में ज्यादा अच्छा बता रहा है, लेकिन मैंने जो कंडीशन, फैक्ट्री कंडीशंस थी, यानी ट्रेनिंग करते वक्त 70% बता, तो यानी मैं ठीक से अभी चेक नहीं कर पाया, यानी मैं फिट कर रहा था, अभी भी कुछ बचा है, अभी भी उसके अंदर कुछ पैटर्न बचे हैं जो मैं निचोड़ नहीं पाया हूं, है ना। यानी कि जाइए अपने मॉडल को फिर से ट्रेन कीजिए, है ना, और एक्यूरेसी को बढ़ाइए, क्योंकि रियल लाइफ डेटा में तो दे रहा है 80% एक्यूरेसी। अब इसका दुष्परिणाम क्या होगा, क्लाइंट को आप बताएंगे, दब दब के बताएंगे कि अरे 70% एक्यूरेसी दे रहा मॉडल, तो थोड़ा संभल के लीजिए, तो संभल के करेंगे, लेकिन उनको पूरा प्रॉफिट मिला तो कहेंगे अरे यार तुमने तो कम बता दिया, मैं अच्छा प्रॉफिट कमा सकता हूँ, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है मॉडल। तो ये दो कंडीशन है मेरे मॉडल की, ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग। ठीक है, कोई सवाल हो तो पूछिए। चलिए, अच्छा ये 80 और 20 वाला जो बात है, इसके इसके पीछे कहानी क्या है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आप लोगों को। देखिए क्या हुआ, पहले जब हम लोग एनालिसिस करते थे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, तो हम लोग कंप्लीट डेटा सेट में 100% डेटा सेट में मॉडल बनाते थे, क्योंकि वो जमाना था ना, कि हम लोग का फिक्स था कि भाई एक ही मॉडल लगाना है, लीनियर लगाना है या फिर लासो लगाना है, जो भी है। तो देखिए अब क्या था, फिक्स था, तो मॉडल हम एक ही मॉडल लगाते थे, और इस मॉडल से हम लोग जो है इसको बिल्ड कर लिए कितना है। लेकिन अब देखिए टेस्टिंग कैसे करें, हमारे पास टेस्टिंग का तो तरीका नहीं, बस पूरे देखिए होता क्या है कि क्लाइंट ने आपको डेटा दिया, आप बार बार जाके कहेंगे नहीं ना कि क्लाइंट से कि अरे मुझे और डेटा दो, मुझे थोड़ा सा टेस्टिंग भी करना था। भाई क्लाइंट कहेगा मैंने तो जो डेटा था आपको दे दिया, अब मैं हिस्ट्री में बैक डेट में जाके डेटा थोड़ी ला सकता हूँ, भाई डेटा कलेक्शन एक टफ जॉब है। तो क्या हुआ कि आपने कंप्लीट डेटा सेट पे हम लोग मॉडल बनाते थे, तो एक्यूरेसी कैसे चेक करें, तो एक्यूरेसी चेक करने के हमारे अलग तरीके थे, AIC चेक करते थे, एकाई की इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया, बताएंगे डिटेल में सब। तो मॉडल के अपने इंटरनल स्ट्रक्चर, एंट्रोपी, डिस्टरबेंस कितना, उसी में से चेक करते। अब जमाना आ गया कि भाई एक ही काम करने के लिए 10 मॉडल है, 10 अलग मेथड है, और हमारे पास कंप्यूटेशन टेक्निक है, हमारी नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई हैं जिसमें हम कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, हमारा लैपटॉप सब स्ट्रॉन्गर है, ढेर सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो सारा एल्गोरिदम लगाए, तो सारे एल्गोरिदम को कंपेयर करने के लिए भाई देखिए मैं हूं, आप हैं, और भी दो चार लोग हैं, अगर मुझे हम लोगों की हाइट कंपेयर करनी है तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि भाई हम लोग की हाइट नाप के उसको एक मेजरमेंट यूनिट में लिखिए ना। मान लीजिए मेरी सेंटर मीटर में है और आपकी मीटर में, तो कैसे कंपेयर करेंगे। पहला काम होना चाहिए कि भाई सबकी एक यूनिट में होनी चाहिए, या तो सबका मीटर में कर दो या सेंटीमीटर में कर दो। तो अलग अलग मॉडल के भाई देखिए अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर काम करने का अलग है, तो एक पैटर्न होना चाहिए जज करने का, यानी कि आउटपुट, यानी कितना अच्छा प्रिडिक्स कर रहा है, एक्यूरेसी, उसकी बेसिस पे जज हो। ठीक है, दूसरा काम क्या है कि भाई सही टेस्टिंग ये हो पाएगी कि आप डेटा का एक हिस्सा रख लीजिए 20% या 30% जो आपका डिजायर हो, बचे हुए डेटा पे आप अपना मॉडल बनाइए और इसको ट्रेन बोल दीजिए, यानी ट्रेन कर रहा है, यानी कि उसको रीड करवा रहा है। ठीक है, अब इसका यूज हुआ तो हम लोगों ने बेस्ट कोफिशिएंट निकाले। अब ये 20 या 30% जो काट के निकाल लिया है डेटा, वो इसलिए निकाल लिया शुरू में ही कि भाई मैं क्लाइंट से बार बार डेटा तो नहीं मांग सकता और टेस्टिंग के लिए भी चाहिए, तो ये मॉडल बना। इसका मतलब क्या है,
मैं क्लाइंट को दूंगा तो क्लाइंट के पास नया डेटा आएगा, उस पर वो प्रिडिक्शन करेगा और अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। तो अभी क्या है, चलो एक बार टेस्ट कर ले। तो इस मॉडल की टेस्टिंग तब होगी जब अनसीन डेटा, यानी जिस मॉडल के निर्माण में जिस डेटा का यूज नहीं हुआ है उस पर टेस्टिंग करेंगे, तब सही रिजल्ट आएगा। और देखिए मॉडल के क्रिएशन में क्या है, इसके सारे टेम्पोरल यानी सारे टेम्पोरल स्ट्रक्चर को वो रीड कर चुका है और उसका इम्पैक्ट इस पे आ चुका है, इसके बीटा नॉट बीटा वन में इसको रीड कर चुका है। तो इसपे तो वही इसी अगर जिस डेटा पे मॉडल बनाया है उसी डेटा पे अगर टेस्टिंग भी करूंगा, इसी पे प्रिडिक्ट करूंगा और टेस्ट करूंगा तो रिजल्ट सेम आएगा। तो हमें अनसीन डेटा, तो 20% तोड़ के या 30% तोड़ कर इस पे इस मॉडल को बिल्ड किया तो हमको क्या मिला, y डैश प्रिडिक्टेड वैल्यू मिली। अब देखिए इस 20-30% का टारगेट वेरिएबल y भी तो है, तो y को y डैश से कंपेयर करके चेक कर पाएंगे कि कितनी एक्यूरेसी है, है? तो यही कर रहे हैं कि भाई ट्रेन की एक्यूरेसी और टेस्ट की एक्यूरेसी बराबर होगी तभी मेरा मॉडल सही है। अगर ट्रेन में, एक सेकंड इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, अगर ट्रेन पे 80% है और टेस्ट पे 60% चला गया तो ये कंडीशन है ओवरफिटिंग की, ठीक है। और अगर ट्रेन पे 60% है और टेस्ट डेटा पे 80% आ रहा है, मतलब ये नंबर एग्जैक्ट नहीं एक बता रहे हैं बस ये बताने के लिए, 60-80 कुछ भी हो सकता है, ट्रेन पे कम है टेस्ट पे ज्यादा है, तो इसका मतलब है अंडर फिटिंग है, अभी आप ठीक से मॉडल फिट नहीं कर पाए हैं, जाके चेक कीजिए, और भी तरीके हो सकते हैं और ज्यादा इंप्रूवमेंट के चांसेस है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, तो ये दोनों ही कंडीशन अनडिजायरेबल है, नहीं चाहिए, है ना। हमें क्या चाहिए, जो ट्रेन पे आ रहा है वही टेस्ट पे भी है, तो ये प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक सेकंड मैं सोचूं क्या कुछ छूट तो नहीं रहा है। ठीक है, चलिए ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे हम लोग, अच्छा जब भी आप लोग को ब्रेक लेना होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग को कैसे हम लोग रिमूव करें, हाउ टू लिमिट। तो देखिए लिमिट का क्या तरीका है, कि पहला तरीका है यूज ए रीसैम्पलिंग टेक्निक टू एस्टिमेट मॉडल एक्यूरेसी। रीसैम्पलिंग टेक्निक का मतलब क्या है, कि भाई देखिए एक बार मैंने मॉडल रन किया, मेरा ये डेटा था कंप्लीट, इसमें से रैंडमली 70% लिया और मॉडल बनाया, तो और टेस्ट डेटा बचा हुआ, टेस्ट डेटा है, इस पर टेस्ट किया तो मेरी एक्यूरेसी आ गई 80%, फिर डेटा को वापस रख दिया, अब इसमें दूसरी बार 70% लिया तो एक्यूरेसी आ गई 70%। अगर मैं इन दोनों का एवरेज ले लूं तो हो जाएगा 75% एक्यूरेसी, यानी न ज्यादा न कम। तो ये पहला टेक्निक ये है कि वेरियस सैंपल बनाइए और उनको रिपीट कीजिए एक्सपेरिमेंट का और उनका एवरेज लीजिए, तो इससे क्या होगा, इसको इससे हमारी ओवरफिटिंग रिमूव होगी। इसको इन्होंने नाम दिया रीसैम्पलिंग टेक्निक। ठीक है, अच्छा मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई भी समस्या हो, लगे कि मेरी स्पीड ज्यादा जा रही है या कोई भी चीज है तो वो चीज प्लीज बता दीजिएगा, है ना, इस चीज में कोई संकोच मत कीजिएगा। क्योंकि क्या की था कि पाइथन प्रोग्रामिंग के दौरान मैं नहीं था, निहारिका पढ़ा रही थी, तो हो सकता है आप लोग पहले फेज में ऐसा लग रहा हो कि हम क्या पूछें या क्या ना पूछें, है, तो आप सारी चीजें पूछिए, है ना। हमें अपने इस ऑनलाइन ये जो कोर्स है इसको मैक्सिमम इंटरेक्टिव बनाना है, जितना इंटरेक्टिव हो सके, ठीक है।
बीच बीच में कुछ बोलते रहिए। ओके है ना, तो कुछ भी होगा तुरंत पूछ लीजिएगा, और नहीं तो कुछ बातचीत भी हम लोग बीच बीच में करते, कोई बात बात हो तो बताइए, कोई क्या चल रहा है आप लोग की तरफ। श्योर सर। हाँ हाँ मतलब नॉर्मली एकदम फ्रेंड की तरह बातें बातें करते रहिएगा, है ना, क्योंकि इसी से आपको मोटिवेशन मिलेगा, तब आप फ्री फील करके आप जब चाहे तब मुझसे क्वेश्चन पूछ पाएंगे। कोई भी ऑब्लिगेशन या मन में हिचक नहीं होनी चाहिए, है ना। हिचक कैसे होगी जब हम ज्यादा बातें करके एक दूसरे से ज्यादा इंटरेक्ट हो पाएंगे, है ना। तो यही है बेसिक चीजें। तो जब आप लोग बोले तो फिर आगे बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ेंगे आगे बढ़े। यस सर, पूछ सकते हैं, बाकी वहां से पूछ लीजिए जी। सर ब्रेक 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे। हाँ यही मैं पूछ रहा था कि जब भी ब्रेक लेना हो तो बता दीजिए, अगर अभी लेना तो अभी ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, अभी देखिए 12:07 हो रहा है, ठीक है, तो 12:17 पर मिलते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है सर। हाँ ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक। थैंक यू।
ठीक है, आप लोग आ गए? ठीक हाँ सर, है, शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले रीसैम्पलिंग की टेक्निक कि बार बार अपना वेरियस सैंपल लीजिए और फिर जो है आप उसको मॉडल बनाइए और उसके एक्यूरेसी का एवरेज लेते जाइए। तो ये एक सबसे सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्टिव वे है ओवरफिटिंग को रिमूव करने का। दूसरा तरीका, होल्ड बैक ए वैलिडेशन डेटा सेट। तो होल्ड बैक ए वैलिडेशन डेटा सेट कुछ नहीं है कि देखिए पहले मैंने इसको डिवाइड किया ट्रेन और दूसरा जो है वैलिडेशन। ठीक है, और वैलिडेशन मैंने रख दिया 20%, ट्रेन में रख दिया 80%। इस ट्रेन में जब मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं तब इस 80% डेटा में मैंने क्या किया, दो तो पार्ट में डिवाइड किया। इस 80 का 80 या 70 जो भी है ट्रेन में और 30% टेस्ट में, और इसको बार बार किया और उसका एवरेज लिया। इससे एयर फुटिंग रिमूव हुई और मैंने अपना लिख लिया कि 10 बार किया तो 10 बार करने के बाद उसका एवरेज लिया। और फिर उसके बाद इस डेटा को मैंने कहीं टेक चेक नहीं किया है, इसके अंदर भी सैंपलिंग कर रहा हूं। ठीक है, फिर से ट्रेन टेस्ट बना रहा हूं और इसको जो शुरू में डिवाइड किया था उसको मैंने टेस्ट नहीं वैलिडेशन नाम दिया और इस पर टेस्ट। तो ये है ओवरफिटिंग को चेक करना और रिमूव करने का तरीका। ठीक है, बताएंगे क्या सर ये है एक्चुअली क्या है। वैलिडेशन डेटा सेट फिर से बताएंगे आप? देखिए हमारे पास डेटा है, ठीक है, ये एक बड़ा डेटा, इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ा। अब आप कितना आप रखना चाहते हैं, आपका प्रेरोगेटिव है यानी आपकी स्वतंत्रता, आप लिखना चाहिए। सपोज मैंने रखा 80%, इसको नाम दिया ट्रेन और ये 20% इसमें से निकाला, इसको नाम दिया। मैं इसको टेस्ट भी दे सकता हूँ, जल्दी तोड़ने का तरीका वही है, रैंडमली 80 ले लिया, 20 को नाम दे दिया वैलिडेशन, यानी इस पे चेक करूंगा, टेस्ट करूंगा। अब इस 80% डेटा पे मैंने क्या किया, 80 का 70 लिया ट्रेन और 30 लिया टेस्ट, इस पर ट्रेन क्या, इस पर टेस्ट किया, फिर इन दोनों को मिला दिया, फिर रेंडमली 70% लिया, फिर ट्रेन किया, बचे हुए रेस्ट पे टेस्ट किया, फिर इन दोनों को मिला दिया, मिक्स कर दिया, फिर रेंडमली तीसरी बार फिर 70%, फिर ट्रेन किया, टेस्ट किया, है ना। और हर बार एक्यूरेसी आई कुछ, इस बार 80 आई, इस बार 70 आई, इस बार सपोज 90 आ गई, तो तीनों का एवरेज ले तो कितना हो जाएगा, 70%। तो मैंने कह दिया 70% मेरी एक्यूरेसी है। अब ये क्या है, ना 90% बहुत ज्यादा है, ना 70% बहुत, ना 90, 70, 80, तीनों का एवरेज शायद 70 होगा या जो भी हो, एक मान लीजिए। तो मैंने कहा 70% एक्यूरेसी आ रही है। ठीक है, क्या होता है कि डेटा सेट पे ना डिपेंड करेगा कितना अच्छा मेरा मॉडल, एक्यूरेसी कितनी जा रही है, हर बार रैंडमली चेंज कर रहा हूं तो उसी हिसाब से मॉडल भी चेंज हो रहा है, तो वह नंबर ऑफ मॉडल्स बनाए उनका एवरेज ले लिया। अब गए इस पर टेस्ट किया 20% डेटा पे, अगर इस पर भी 70% आ गई तो ठीक है। तो ये हमारा एक तरीका है ओवरफिटिंग रिमूव करेगा कि नंबर ऑफ मॉडल्स बढ़ा दीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। बाद में बताए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। ठीक सर कुछ नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। है, ठीक है, फिर बाद में बताएंगे कौन कौन सी टेक्निक्स करने की इसको। अब आते हैं ग्रेडियंट डिसेंट पर मशीन। लेकिन अब इसके पहले हम लोग अब जान लेते हैं कि हम लोग सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को भी दो पार्ट में तोड़ रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं इसको ऑन कर लेता हूं। ठीक है, आपको ब्लैंक शीट दिख रही है नोटपैड वाली? यस सर। हाँ अब देखिए हम लोग सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कैसे, आपको पता ही है कि सुपरवाइज्ड कौन सा, जिसमें टारगेट वेरिएबल है मेरा जो हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं। ठीक है, और ये इनपुट है। ठीक है, इनपुट या फीचर्स। ठीक है, अब ये टारगेट वेरिएबल है, अगर मेरा टारगेट वेरिएबल
रियल वैल्यूज हैं, लाइक 10, 20, 10, 30, 3.8, 4.7 सब अलग अलग वैल्यूज है। तो ये हमारी प्रॉब्लम हो गई, यानी कि टारगेट। देखिए आपको प्रॉब्लम कैसे जज करना कौन सा, यानी ये मेरी प्रॉब्लम है रिग्रेशन की, ठीक है। और अगर आपका टारगेट वेरिएबल कैटेगरीज में है, कैटेगरीज मतलब 0101 या जितने भी है, मतलब कंप्लीट डेटा सेट, एंड डेटा सेट है, या 2, 3, 4, 5, 6 मतलब कुछ निश्चित सेट ऑफ कैटेगरीज में है, यानी जैसे फ्रूट में है तो बनाना, गोवा, एप्पल, यही तीनों, जेंडर है तो मेल फीमेल, ठीक है, और क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर है तो डिफॉल्टर, नॉट डिफॉल्टर, रिस्क है तो रिस्क, नॉट रिस्क, है लोन डिफॉल्टर, नॉट डिफॉल्टर, कैंसर है, कैंसर नहीं है, कंपनी से चर्न आउट करेगा, चर्न आउट नहीं करेगा, है ना, बारिश होगी, बारिश नहीं होगी, रिस्क है, नॉट। तो जब कैटेगरीज है मेरी टारगेट वेरिएबल, तो मेरा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की प्रॉब्लम बन जाती है किसकी, क्लासिफिकेशन। एक बार मैं इसको डिलीट करके फिर से लिखता हूं साफ साफ थोड़ा सा, ठीक है। टारगेट वेरिएबल जो भी आपने बिजनेस प्रॉब्लम के हिसाब से सेलेक्ट किया, अगर ये रियल वैल्यूज है तो हमारी प्रॉब्लम है रिग्रेशन की, ठीक है। और अगर कैटेगरीज है तो हमारी प्रॉब्लम है क्लासिफिकेशन की, याद रखना है, क्लासिफाई करने वाले हैं, यानी गुड बैड, ठीक है, स्पैम है, ठीक है, कैंसर, नॉट कैंसर, क्रॉनिकल हार्ट डिजीज, नॉट क्रॉनिकल हार्ट डिजीज, बरसा होगी, बारिश नहीं होगी, क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर करेगा, नहीं डिफॉल्ट करेगा, कंपनी चर्न आउट करेगा, नहीं चर्न आउट करेगा, ठीक है। तो टारगेट वेरिएबल को देख के हम डिसाइड करते हैं कि मेरी प्रॉब्लम किसकी है, रिग्रेशन की है कि क्लासिफिकेशन। तो ये टेक्निकल वर्ड, जब रिग्रेशन बोले तो समझ जाइए कि मेरा टारगेट वेरिएबल रियल वैल्यूज है, 10, 20, 30, 15 सब अलग अलग है। और अगर कैटेगरीज है 2, 3, 4 जितनी भी, तो ये हमारी क्लासिफिकेशन है, ये दोनों टेक्निकल वर्ड। अभी देखिए अनसुपरवाइज्ड में, इसको डिलीट ही कर देता हूं, इसको चाहे तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, है रिग्रेशन कॉन्सेप्ट टारगेट वेरिएबल की वजह से, चाहे तो ये उसका वो ले लीजिए इमेज स्क्रीनशॉट। ठीक है, मैं इसको हटाता हूं। देखिए इसी तरीके से अनसुपरवाइज्ड में टारगेट वेरिएबल तो है ही नहीं, ठीक है, यहां पे जो बनाते हैं, यहां पे हम क्लस्टर्स डिफाइन करते हैं, यानी मेरे डेटा सेट में पैटर्न क्या है, उस पैटर्न की बेसिस में 2, 3 जितने भी आपको डिफाइन करने उतने क्लस्टर्स में बनाते हैं। तो इसका नाम ही है, इसके एल्गोरिदम्स का नाम ही है क्लस्टरिंग। तो आप कंफ्यूज नहीं हो रहा है, जब क्लस्टरिंग की बात हुई तो इसका मतलब है अनसुपरवाइज्ड, और जब क्लासिफिकेशन की बात हुई तो इसका मतलब है सुपरवाइज्ड, और रिग्रेशन यानी कि टारगेट वेरिएबल वैल्यू जो है रियल वैल्यूज है और ये क्या है सुपरवाइज्ड है, ठीक है। तो ये याद रखना है ये चीज, जब मेरी बिजनेस प्रॉब्लम आई, मैंने अपना डेटा निकाला, मेरे डेटा का सब मैंने अपने जो भी बिजनेस प्रॉब्लम उसकी बेसिस पे मैंने मुझे जो टारगेट चुनना था वो मैंने टारगेट चुना, उस कॉलम को मैंने चेक किया, अगर उसमें सारे रियल वैल्यूज हैं तो यानी मुझे रिग्रेशन के सारे एल्गोरिदम लगाने हैं, अगर उसमें कैटेगरीज हैं तो मुझे क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम लगाने हैं, और अगर मेरे पास टारगेट वेरिएबल है ही नहीं तो क्या हुआ, मुझे क्लस्टरिंग करनी है। ये तीनों ही टेक्निकल वर्ड है, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग। जब कोई क्लस्टरिंग बोले तो समझ जाइएगा कि क्लस्टर निकालने हैं अनसुपरवाइज्ड, जब क्लासिफिकेशन बोले यानी कि सुपरवाइज्ड, ठीक है, जब कोई रिग्रेशन बोले तो सुपरवाइज रियल वैल्यू से टारगेट वैल्यू। तो ये हमारा तरीका है सबसे पहला जज करने का कि मुझे कौन से एल्गोरिदम लगाने हैं, ठीक है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, एक बार कुछ आप लोग बोल दीजिए तो मैं समझ जाऊं कि आगे बढ़ना है।
बढ़ ठीक है, कोई भी चीज लीजिए पूछना होगा तो पूछिएगा, मैं रिवाइज करूंगा। अगर शुरू से पूछना होगा तो शुरू से रिवाइज करूंगा, ठीक है। अच्छा, मैं ये चाह रहा था कि थोड़ा सा आप लोग ने फीडबैक दे दीजिए। हाँ, कुछ बोल रहे थे आप, नहीं कुछ सर, बोल कुछ रहे भी थे। नहीं। हाँ, मैं कह रहा था कि थोड़ा फीडबैक दे दीजिए कि किस तरीके से, अगर इसमें क्या कमियां है, किस तरीके से मुझे और अपने आप को चेंज करना होगा, क्या चीजें ऐड करनी चाहिए पढ़ाते वक्त, है ना, स्पीड कम करनी है, जो भी चीजें, तो बताइए, एक फीडबैक दे दीजिए। सर अभी तक तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ठीक है। और किसी को कोई भी चीज समझ में आ रही है, सजेशन सजेशन समझ के दे दीजिए, है ना। नहीं सर, बढ़िया चल रहा है अभी तक अच्छा तो। अच्छा अच्छा है सर। ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखिए, कहीं भी किसी भी लेवल पे कुछ लगे कि नहीं समझ में आ रहा है या कुछ ओवर द बोर्ड जा रहा है, तो बता दीजिएगा, मैं रुक जाऊंगा। और दूसरी चीज, अगर लगे कि मुझे तो कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, तो घबराइएगा मत, मैं शुरू से शुरू करूंगा, है ना, शुरू से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप फिर से बताना शुरू करूंगा, ठीक है। तो ये चीज रहेगा हम लोग का पैटर्न पढ़ने का, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कि चलिए, हमारा अगर रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अब सुपरवाइज्ड की बात करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा इनपुट टारगेट वेरिएबल है और इनपुट है, और मुझे फिट करना है, सपोज ये लाइन, ठीक है। अब ये टारगेट वेरिएबल जो है मेरा वाई, ये रिग्रेशन भी हो सकता है, यानी कि सभी रियल वैल्यूज, या फिर क्लासिफिकेशन भी हो सकता है, गुड बैड, है ना, पिजन नॉट पिजन, कैट डॉग, ठीक है, कंपनी छोड़ के चर्न आउट करेगा नहीं चर्न आउट करेगा, कैंसर है कैंसर नहीं, एटसेट्रा, ठीक है। तो अब ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब चलिए, हम लोग क्या बातें कर रहे थे कि अब मुझे, मेरे पास क्या है, ये तो 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, जितना भी डेटा है, मुझे क्या करना, फिट करना है, ठीक है। बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू, जितने भी इनपुट के वेरिएबल होंगे अप टू बीटा एन एक्स एन, ठीक है, ये फिट करना है, यानी कि ये सारे कॉफिशियंट मुझे एस्टिमेट करने हैं, है ना। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग का जो तरीका हुआ करता था, जो स्टैटिस्टिक्स में, और देखिए अधिकतर जो मेरा साइकिट लर्न एसके लर्न लाइब्रेरी है, ठीक है, मशीन लर्निंग की, इसमें 90% केसेस में ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर यूज हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन कुछ है जहां पे हमें बताते हैं, कुछ अलग अलग सॉल्वर दिए हैं, वो चुनते हैं, तब ग्रेडियंट डिसेंट यूज होता है, ठीक है। तो हम दोनों को पढ़ेंगे कि ये दोनों क्या है। अब देखिए, सबसे पहले ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, देखिए इसको एकदम समझने की कोशिश है, कुछ नहीं, देखिए ये है मेरा वाई इक्वल टू बीटा नॉट। देखिए, बहुत से मैथमेटिकल टर्म यूज करूंगा मैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। मान लीजिए कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड का नहीं है, बहुत से लोग, बहुत दिन हो गया मैथ पढ़े, तो देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको सुनना है और समझना है, ताकि आप इसको, आपको एक फील आना चाहिए कि अच्छा ऐसा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। इसको वर्ड बाय वर्ड जानना कोई बहुत जरूरी नहीं है, इसको इसलिए बता रहा हूं मैं कि आपको एक आइडिया रहे कि हो क्या रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए, बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन है, ठीक है। अब देखिए मुझे बेस्ट कॉफिशियंट कैसे लेना, ये देखिए y, अब मैंने क्या किया, प्रिडिक्ट किया, ठीक है। तो ये क्या किया, ये मान लीजिए मैंने प्रिडिक्ट किया मॉडल से, तो y माइनस बीटा नॉट, सॉरी माइनस बीटा वन एक्स वन, इसको इधर ले गया सबको, तो ये क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस वो कहलाया एरर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों का स्क्वायर किया, ठीक है, और अब इनको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। एक बार मैंने डिफरेंशिएट किया बीटा नॉट से, जब एक बार बीटा नॉट से डिफरेंशिएट करूंगा तो बीटा वन कांस्टेंट बन जाएगा, है ना, जब कांस्टेंट बन जाएगा तो एक बार मैं जो है बीटा नॉट की वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है, सॉरी सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन। दूसरी बार क्या करूंगा, डी अपॉन बीटा वन, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन क्या देता है, मैक्सिमा मिनिमा देता है, तो उससे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, इक्वेट कर दूंगा जीरो से इस इक्वेशन को। अब मैंने क्या किया, मुझे मिल गया बीटा वन की, इस तरीके से मुझे बेस्ट कॉफिशियंट, इसी को बोलते हैं ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन से
अब देखिए सेकंड ऑर्डर बेस्ट कोफिशिएंट, बेस्ट कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, देखिए ये मेरा एक एक इनपुट है समझिए, ठीक है। अच्छा इसका फिगर एक बना देता हूं, इसको सिंपल इसमें समझाऊंगा, लेकिन होता क्या, जो मान लीजिए एन एन कोफिशिएंट, तो एन कोफिशिएंट मतलब एन डायमेंशन, मेरे इनपुट में जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं वही मेरे डेटा सेट का डायमेंशन कहलाता है। तो देखिए वेक्टर के फॉर्म में अगर प्रेजेंट कर रहा हूं तो देखिए क्या हुआ, एक्स वन ये मेरा वाई, ये हो गया दूसरा एक्सेस एक्स टू, ये हो गया तीसरा एक्स थ्री, ये हो गया चौथा एक्स फोर। एन डायमेंशनल स्पेस में कोई डेटा है, ठीक है, तो वो क्या हो यहां पे, तो वो एन डायमेंशनल स्पेस में, ठीक है। चलिए अब एक सिंगल पे बात करते हैं तो समझ में आएगा क्लियर। अब देखिए इनपुट और आउटपुट का मैंने प्लॉट कर दिया कुछ ऐसे ऐसे प्लॉट, ठीक है, मैं फिर तो केवल लाइन कर सकता हूं, तो मुझे क्या, देखिए लाइन तो ये भी हो सकती है, ये लाइन तो ये भी फिट हो सकती है, ये भी फिट हो सकती है, ये भी, लेकिन मुझे बेस्ट फिट करना है, ठीक है। तो बेस्ट फिट हम लोग ये मैक्सिमम मिनिमा से निकाल रहे हैं, जिसमें एरर क्या कर रहे हैं, एरर को ही तो डिफरेंशिएट करके हम लोग जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं। एरर क्या है, देखिए एरर क्या है कि ये मैंने लिया एक्स और वाई और ये मेरा डेटा सेट है, तो मैंने जो है मेरी बेस्ट फिट लाइन है ये, तो देखिए खो क्या रहा, एक्चुअल वैल्यू तो ये है, अब मैं प्रेडिक्ट क्या कर रहा हूं बेस्ट फिट से, ये तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर ड्रैग, तो ये हो गया एरर। एक्चुअल तो ये है, मैं तो प्रेडिक्ट कर रहा हूं क्या, ये बेस्ट फिट, तो ये हो गया एरर, ये हो गया एरर, ये हो गया एरर, एरर एरर। अब ये जो सारे एरर्स है इनको सम करके मैं क्या कर रहा हूं, ये डिफरेंशिएट इसी को तो जीरो कर रहा हूं, तो जब रेशन जीरो होगा है ना, वही सबसे बेस्ट फिट लाइन कहलाएगी, या फिर जीरो नहीं हुआ तो मिनिमम, भाई मैक्सिमम मिनिमम से क्या कर रहे हैं, मिनिमम, तो जहां पे एरर मेरी मिनिमम होगी, ठीक है, जिस लाइन के लिए ये सर, तो जिस लाइन के लिए एरर मिनिमम होगी वो मेरी बेस्ट फिट कहलाएगी, उस लाइन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि ये मेरी है ना भाई, हमारी जो लिमिटेशंस है उसमें हम लोग काम कर सकते हैं, भाई हम ऐसे 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 तो नहीं फिट, अगर इसको फिट कर दे तो इसके लिए तो इक्वेशन ही नहीं है, है ना। तो चलिए अब मैंने सपोज इस लाइन को सेलेक्ट कर लिया, अब ये लाइन यहां से मान लीजिए पास हो रही है, तो ये क्या हो गया इसका, ये वाला एरिया इंटरसेप्ट बीटा रन। अब इस लाइन की मैं प्रॉपर्टीज ले रहा हूं, और ये क्या हुआ इसका स्लोप, तो मुझे बीटा नॉट इस लाइन का बीटा नॉट और बीटा वन सॉरी जो भी वैल्यू निकाल लिया मैं, यानी पूरी जद्दोजहद सिर्फ ये थी कि मेरे पास 1000 डेटा था तो मैंने उसको सॉल्व करके बेस्ट कोफिशियंट निकाला। अब यही बेस्ट कोफिशियंट उठा के आप अपने क्लाइंट को दे देंगे, तो उसके पास जो नई मान लीजिए बीटा नॉट है कुछ 4, बीटा वन है 0.2, एक्स वन का कुछ भी वैल्यू आएगा तो इससे मल्टीप्लाई करके सम करेगा तो ये प्रिडिक्शन निकल आएगा, और इसकी बेसिस पे इन्वेस्टमेंट या जो भी जजमेंट मेकिंग करनी है, यानी ये बेस्ट कोफिशिएंट निकाल के ही हम देते हैं, ठीक है। तो यही प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स है। अब इसको देखिए एक थोड़ा सा मैट्रिक्स बना के समझाता हूं आपको, इसको इरेज कर दूंगा, ठीक है, इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए मेरे पास सपोज 100 रोज हैं कुछ भी, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो ये देखिए मैट्रिक्स बनाया, वाई वन वाई टू वाई 100, ठीक है, इनपुट मान लीजिए 4 इनपुट है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, एक्स वन का 100, ठीक है, ऐसे हम लोग वो ये डेटा है ना हमारा, तो हर डेटा को हम लोग पूरा ऐसा बना दिए, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाइड बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ बीटा वन बीटा फोर, 4 है तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होगा, ये सर क्या बन जा रहा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, तो ये जाएगा, ये रो उठ के जाएगा, यहां मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा, वाई वन
बीटा वन बीटा टू एक्स टू प्लस बीटा थ्री एक्स थ्री प्लस बीटा फोर एक्स फोर, इसी तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। वो तो मैंने की स्कीमा बताया था, स्कीमेटिक की कैसा। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा, ये जाएगा इस तरफ, इनवर्स हो जाएगा y1 अप टू y100, और ये हमारा है बीटा वन बीटा टू बीटा फोर। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक बार बीटा वन से सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी बार बीटा टू से, सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। सॉल्व करते चले जाएंगे और मुझे मिलता चला जाएगा। तो ये एक्चुअली होता है हमारा मेथड ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। अब क्या है मशीन लर्निंग में इससे दिक्कत क्या आ रही है कि जब आपका डेटा बहुत बड़ा है, ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, मान लीजिए ये 20 MB का है, जब इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं वेरियस, तो ये 20 MB से सीधे कन्वर्ट हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 40 GB पे, ठीक है। और हमारी रैम 40 GB नहीं है, मान लीजिए मैं बढ़ा के रैम 40 GB कर रहा हूँ, तो ये कोई एक वायबल तरीका तो नहीं है ना कि मैं कितना भी रैम बढ़ाने की तो कोई लिमिट नहीं है, कल को 60 GB क्या तो मैं 60 GB रैम बढ़ाऊंगा, है ना। तो ये ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर से हमें ये प्रॉब्लम है कि हम बहुत बड़े डेटा सेट पे नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इरेज कर दू इसको मैं, ठीक चलो। अब नया जो तरीका आया वो था ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम। अब देखिए ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम क्या है, ग्रेडियंट का मतलब क्या है डिफरेंशिएशन, डिसेंट का मतलब क्या है स्लो, ठीक है, एल्गोरिदम मेथड। देखिए क्या किया गया, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहली रो का डेटा लिए, सपोज मेरे पास एक डेटा है 2 4 8, ठीक है, और मैंने इसको टारगेट वेरिएबल कुछ रख रखा है, इसमें है सपोज ये है 10, ठीक है। अब मैंने क्या किया, हर रो के डेटा पे मैं ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर लगा रहा हूँ, सेम वही प्रोसेस हर रो के डेटा के लिए, एक बार में एक रो का डेटा प्रोसेस होगा। तो देखिए क्या हुआ, ये वाई है 10 है, और ये बीटा वन 2 प्लस बीटा 2 4 प्लस बीटा 3 8, ये कर रहा हूं मैं। अब देखिए अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, प्रेडिक्ट करूंगा और इससे माइनस करके एरर निकालूंगा। अब देखिए मैंने क्या किया कि देखिए पहली रो का बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, मेरे पास तो कोई बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 है ही नहीं पहली रो के लिए ना, तो मैंने क्या किया फर्स्ट रो के लिए बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 को 0 अलॉट कर, या फिर आप कोई एक रेंडमली कुछ स्मॉल वेरी स्मॉल नियर टू जीरो वैल्यू जनरेट करके भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ने पहली रो के लिए मैंने कोफिशिएंट जीरो जनरेट कर दिया, तो क्या होगा 0 into 2 plus 0 into 4 plus 0 into, तो क्या हो गया वाई डैश कितना हो गया, प्रेडिक्टेड वैल्यू 0, एक्चुअल वैल्यू है 10, 10 माइनस 0, तो ये क्या एरर हुई। याद है मशीन लर्निंग में एरर को कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं, तो हमारी एरर कितनी हो गई 10, ठीक है। अब होना क्या चाहिए, एरर तो जीरो होनी चाहिए भाई, एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू दोनों बराबर यही चाहिए, दोनों का सब्ट्रैक्शन जीरो, तो ये कॉस्ट फंक्शन बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके हम लोग डेल्टा एरर निकालेंगे, और ये जो हमारे कोफिशिएंट है ना इनको हम लोग वेट्स बोलते हैं ना, वेट्स को ऑप्टिमाइज करेंगे, क्या करेंगे हर रो के, अब नेक्स्ट रो के लिए बीटा क्या जाएगा, वेट्स डब्लू डैश माइनस नीटा डेल्टा डब्लू, ये हमारा नया फॉर्मूला है। यानी अभी के जो वेट्स है, अभी क्या था जीरो था, हर एक के लिए निकालेंगे, सपोज बीटा वन के लिए निकाल रहे हैं नेक्स्ट रो के, माइनस नीटा, नीटा एक लर्निंग रेट है, अभी बताते हैं लर्निंग रेट क्या, ये आप जज करेंगे कितना हो, वेरी स्मॉल क्वांटिटी रखते हैं, स्मॉल क्वांटिटी से एक्चुअली मल्टीप्लाई करके क्या कंट्रोल कर रहे हैं,
कंट्रोल का मतलब क्या, मान लीजिए कोई वैल्यू है 100, उसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, 10 टाइम्स छोटा हो गया, है ना। तो आपने कंट्रोल किया, हर बार जो वैल्यू हो रही उसको 0.1 या 0.01 से मल्टीप्लाई करके कंट्रोल कर रहे हैं बस। अच्छा, डेल्टा डब्ल्यू क्या है, अभी कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करके निकाल, डिफरेंशिएट करके निकाला, मान लीजिए आ गया 0.03, तो क्या हो गया, अब मेरा एरर हो गया 0.03, तो दूसरी रो के लिए बीटा वन ये आ गया। सिमिलरली बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री निकाल देंगे, कुछ वैल्यूज आ गए। अब नेक्स्ट रो का डेटा, मान लीजिए 1, 3, 6 और ये 11 है, तो अब इसमें हम लोगों ने रखा, अब हमारे पास 0, 0 नहीं है, अब नेक्स्ट रो के लिए बीटा है, तो अब हम लोगों ने y डैश प्रेडिक्ट किया 0.03 × 1 प्लस कुछ मान लीजिए 0.02 आ गया × 3 प्लस 0.04 × 8 y डैश आ गया। इसको फिर हम लोग इसके एक्चुअल y 11 माइनस y डैश रखे, फिर एरर आई कॉस्ट फंक्शन, फिर देखेंगे कॉस्ट फंक्शन कितनी है, फिर कॉस्ट फंक्शन के बेसिस पे नए कोएफिशिएंट निकालेंगे, इसको अगली रो में करेंगे। 1 मिलियन रो है तो 1 मिलियन टाइम करेंगे, ठीक है। जब 1 मिलियन टाइम कर लेंगे कंप्लीट डेटा सेट पे एक बार, तो ये कहलाता है 1 epoch, और ये 1 epoch 2 epoch ऐसे 10, 15, 100 epoch तक रन करना है। तब तक रन करना है जब तक कि ये कॉस्ट फंक्शन 0 ना हो जाए, या फिर देखिए रियल लाइफ में 0 होना तो पॉसिबल है नहीं ना, तो तब तक कीजिए या तो 0 ना हो जाए या फिर फर्दर डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं। मान लीजिए 0.02 आ रहा है, वही 0.023, 0.021, तो बार बार लगभग एक ही जैसा आने लग जाए, यानी फर्दर इंप्रूवमेंट अब नहीं हो पा रहा, तो हम लोग रुक जाएंगे। और वहां पे जब हम लोग रुकेंगे तो उस टाइम में जो बीटा वन, बीटा टू, बीटा टू जो कॉफिशियंट है वो हमारे बेस्ट कॉफिशियंट कहलाएंगे, और वही कॉफिशियंट उठा के हम लोग क्लाइंट को दे देंगे। तो देखिए क्या हो रहा है, यही रो वाइज हो रहा है ये सारी प्रोसेस, तो ये कहलाता है ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम, ठीक है। अब इस ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम के वेरियस वर्जन आते हैं, जैसे पहला कि बैच में पास करो, बैच में मतलब एक रो का डेटा नहीं, कुछ नहीं। तो जैसे मेरे पास 1 मिलियन रो है, तो मैंने क्या किया, जब कंप्लीट डेटा सेट पास कर रहा हूं इसमें सॉल्व करने के लिए, तो ये कहलाता है बैच ग्रेडियंट, ठीक है। अगर एक बार में 10 या 20 या 15 रो पास कर रहा हूं सॉल्व करने के लिए, तो वो कहलाता है मिनी बैच। व्हेन एन एंड व्हेन एन एन इज इक्वल टू कैपिटल एन, यानी नंबर ऑफ सैंपल डेटा सेट के बराबर है। व्हेन स्मॉल एन इज लेस देन कैपिटल एन, यानी कंप्लीट डेटा सेट छोटे छोटे टुकड़े में 20-20 रो का भेज रहा हूं, तो ये कहलाता है मिनी बैच, ठीक है, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। इसको एक बार इरेज कर दूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो मैं इरेज कर देता हूं इसको, कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो बैच ग्रेडियंट डिसेंट, जब नंबर ऑफ सैंपल आप पास कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए, एन इक्वल टू कैपिटल एन, यानी टोटल डेटा सेट है, तो ये बैच ग्रेडियंट डिसेंट है। मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट है जब नंबर ऑफ सैंपल एक बार में सॉल्व करने के लिए भेज रहे हो लेस देन है कैपिटल एन और ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो लेस देन कैपिटल डेटा सेट है, तो मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट कहना है। इसके बाद आया स्टोकास्टिक, स्टोकास्टिक मतलब होता है रैंडम, जनरल स्टैट्स में स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। अगर आपका नंबर ऑफ सैंपल इक्वल टू 1 है, यानी एक बार में एक रो पास कर रहा है सॉल्व करने के लिए, तो स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट कहलाता है। और स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट अभी की तारीख में इसको एसजीडी बोलते हैं, बहुत सक्सेसफुल है ना। इसमें क्या है, 10-15 पासेस, यानी 10-15 epochs में हमें बेस्ट कोएफिशिएंट मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ तरीके हैं ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम के, इसको कॉपी कर लीजिए या लिख लीजिए, अगर इंटरव्यूअर पूछेगा इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है तो ऐसे बताना, ठीक है। इसको आप लोग इसके प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए, ये लीजिए। अब इसके बाद एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में, ठीक है। एक इंट्यूशन,
ठीक है। और इसके अभी कहानी सुना लेता हूं, तो उसके बाद जो है आपको जो भी चीज समझ में आए आप पूछिएगा। इरेज कर देता हूं। देखिए इंट्यूशन बता रहा हूं ग्रेडियंट डिसेंट का, यानी क्या हो सकता है सोचने का तरीका। देखिए वो क्या रहा है कि मुझे नदी पे जाना है, मैं यहां खड़ा हूं और ये नदी है, ठीक है। अब मैं यहां पे खड़ा हूं, नदी पे जाना, तो मैं क्या करूंगा, मैंने अपने पैर से टटोला थोड़ा दाएं बाएं, ठीक है, ये पहाड़ी है कुछ ऐसे, ठीक है। तो मुझे जो है क्या करना, नदी कैसे जाऊंगा, तो मैंने अपने पैर से टटोला जिधर स्लोप था, जिधर स्लोप था तो उधर मुड़ गया, ठीक है। फिर थोड़ी दूर चला, थोड़ी दूर, ध्यान रखिएगा मेरे वर्ड में, फिर थोड़ी दूर जिधर मुझे स्लोप था उधर मुड़ गया, ग्रेडियंट डिसेंट, डिसेंट मतलब स्लोप, स्लोप की ओर जा रहा, और यहां पे बेस्ट कोफिशिएंट है नदी में, ठीक है। फिर थोड़ी दूर चला, फिर स्लोप की ओर बढ़ा, फिर थोड़ी दूर चला स्लोप की ओर बढ़ा, फिर थोड़ी दूर चला स्लोप की ओर बढ़ा, फिर थोड़ी दूर चला स्लोप की ओर बढ़ा, फिर मुझे निरंतर स्लोप मिलता, और ऐसा करते करते मैं नदी पे पहुंच जाऊंगा, पैसे टटोला जिधर ढला था उधर मुड़ता चला गया, बेस्ट कोफिशिएंट है यहाँ पे। तो मैं यही इटरेशन कर रहा हूं बार बार। अब ये देखिए कितनी दूरी पे चल के मुझे पैर से टटोलना है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्यों, यही नीटा लर्निंग रेट है, ठीक है। अगर मैं बहुत बड़े बड़े कदम लू, एक बार में 20-20, 40-40 कदम बार टटोल रहा हूं कि स्लोप किधर है, तो हो सकता है बीच में कोई स्टीप मिल जाए, मुझे बहुत ही स्टीप स्लोप मिल जाए जिससे मैं जल्दी पहुंच पाऊं, है ना। तो नीटा लर्निंग रेट से मैं अपने चलने को कंट्रोल कर रहा हूं, और नीटा की वैल्यू हम लोग जनरल 0.1 से लेके 0.1 से लेके 0.001 तक ऐसे रखते हैं बीच में, इसको लर्निंग रेट, अपने मल्टीप्लीकेशन डिविजन। देखिए मैथमेटिक्स के इमोशन क्या होते हैं, मैथमेटिक्स का इमोशन कुछ नहीं होता, अगर किसी एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम्स हो जाएगा, अगर किसी नंबर को 10 से डिवाइड तो क्या 10 टाइम्स छोटा हो जाएगा, यही होते हैं नंबर के इमोशन। वो पूरा अगर ये एक विजन रखेंगे दिमाग में तो आपको रियलाइज होगा कि इसी चीज को हम लोग हर जगह पूरे मैथमेटिक्स वर्ल्ड में हार्नेस करते हैं, क्या करते हैं, नंबर्स के इमोशन के साथ खेलते हैं, कभी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कभी 10 से डिवाइड करेंगे, कभी उसे छोटा करेंगे, कभी उसका लॉग लेके उसका ट्रांसफॉर्म करेंगे, है ना, यही सब ट्रिक्स अपनाते हैं। तो देखिए तो नीटा क्या है, उसका लर्निंग रेट है, और उससे हम लोग जज करते हैं कि कितना, कितने बड़े, कितनी दूरी बाद मुझे जज करना। तो हो सकता है अलग अलग नीटा रेट, नीटा की वैल्यू रखने से हमें ज्यादा एक्यूरेसी मिले। तो यही सब चीजें जो है मशीन लर्निंग में हम लोग के पैरामीटर बनती हैं, अपने मॉडल को ऑप्टिमाइज करने का तरीका के अलग अलग वैल्यू रख के चेक कीजिए, है ना। तो ये चीजें हैं, तो ये है एक इंट्यूशन देखने का ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम को, ठीक है। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, नहीं तो फिर इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। इरेज कर दो इसको, यस, ठीक है। अच्छा मैं ये जानना चाह रहा था कि कोई क्वेश्चन आप लोग को पूछना है तो पूछिए। नो सर, नो क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। सर सर मेरा लास्ट 10 मिनट का सेशन मिस हो गया, मेरा नेट कनेक्टिविटी चली गई थी सर। ठीक है, मैं अभी फिर से रिपीट कर देता हूँ, कुछ एग्जैक्टली बताएंगे कहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ था। सर जब आप ये स्टोरी बता रहे थे ना, स्टार्ट की थी वहाँ डिस्कनेक्ट हो गया था सर, लास्ट स्टोरी जो आप बता रहे थे ग्रेडिएंट वाली। अच्छा अच्छा अच्छा, पहाड़ वाली, पहाड़ वाली, ठीक ठीक, फिर से बताता हूँ। सर एक क्वेश्चन और है, ये जितने भी तरीके हैं एरर को मिनिमाइज करने के, जो दो तरीके बताए आपने, ये सारे ऑटोमेटेड होंगे ना मशीन लर्निंग में, जब जो भी आप डबल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ये जान लीजिए कि देखिए कोडिंग का जो पार्ट था वो आपने पाइथन प्रोग्रामिंग में कर लिया है,
ठीक है। अब हम लोग, अब हमको बहुत एज सच कोडिंग नहीं करनी है, ये तो हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें वीजा ना आ सके, हम कहीं पे जाए इंटरव्यू। देखिए इंटरव्यू में क्या आपसे कोडिंग थोड़ी करवाएगा, इंटरव्यू में तो यही चीजें पूछेगा ना, थ्योरेटिकल पार्ट। तो आप वहां पे इंटरव्यू में क्रैक कर सके, उसे ये बातें कर सके कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये होता है एक्चुअली, इसके पीछे की थ्योरी क्या है। तो ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ये समझिए हर एक बात इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये पीपीटी, जब भी आप इंटरव्यू देने जाए पीपीटी पढ़ लीजिएगा। कोडिंग में हमको क्या करना है, उसमें सारे फंक्शन बने हुए हैं और मैं आपको जो कोड दूंगा ना, रेडी टू यूज टेम्पलेट दूंगा, सारा कोर्स लिखा हुआ दूंगा, थियरी कोड जुपिटर नोटबुक में, और रेडी टू यूज टेम्पलेट दूंगा जिसमें आपको केवल अपना डेटा सेट चेंज करना, रन करेंगे नीचे एज इट इज। कैसे सारे, अब हम लोग का कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होगा कि हम लोग सारे एल्गोरिदम लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, बताया था रिग्रेशन क्लासिफिकेशन, तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरा प्रॉब्लम है रिग्रेशन है क्लासिफिकेशन। तो रिग्रेशन के 10-12 एल्गोरिदम ना, 12 को एक साथ लगाएंगे और उसमें से बेस्ट एल्गोरिदम सेलेक्ट करेंगे और उस बेस्ट एल्गोरिथम को फिर ट्यून करेंगे कि भाई कैसे हम और ज्यादा अपना एक्यूरेसी को बढ़ा सके, है ना। और ये सारी चीजें ऑटोमेटेड है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ कांसेप्ट समझना है। जी सर, ओएलएस में हमने डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड ऑर्डर किया, तो ये समझना होगा कि हम क्यों कर रहे हैं, सेकंड ऑर्डर ही क्यों कर रहे हैं, और बेसिकली मुझसे निकालना क्या चाह रहे हैं, इस डेप्थ तक हमें समझना होगा, करेक्ट। हाँ, ये चीजें आइडिया, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या देती है हमें, मैक्सिमा मिनिमा देती है, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमा मिनिमा निकाल रहे हैं, उसको इक्वेट करके, ये वो पॉइंट है। देखिए मैक्सिमा मिनिमा, देखिए आपको छोटा सा अभी इनको एक ये वाली बात आ गई तो बता देते, फिर उसके बाद आपको वो शुरू करेंगे जो आपका छूट गया। देखिए मैक्सिमा मिनिमा क्या है, ये देखिए ये जा रहे हैं और जाते 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 पीक पे पहुंचे, स्लोप पे आ गए, यानी इससे मैक्सिमम पर नहीं जा सकते ना, यही तो हमें देता है मैक्सिमम मिनिमम सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर थर्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन क्या देगा, है ना। सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन तो हमें देता है क्या कहते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम। तो थर्ड ऑर्डर क्या देता है, थर्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन आपको इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व देता है। इन सब चीजों का हम लोग उपयोग करते हैं, इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व मतलब ये ऐसे जा रहे थे, जाते 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 यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया, बिहेवियर इसका चेंज हो गया, इसका मतलब है कि डायरेक्शन चेंज हो गया मतलब बिहेवियर चेंज हो गया। तो इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड ऑर्डर जैसे ये देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, ठीक है। तो ये देखिए म्यू प्लस माइनस सिग्मा पे हमको इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व मिलता है। जब आप करेंगे थर्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन तो आप देखेंगे ये हो गया म्यू माइनस सिग्मा, ये हो गया म्यू माइनस टू सिग्मा, ये हो गया म्यू माइनस थीटा, ये सब ये क्या यहाँ पे बिहेवियर चेंज हो रहा है, ये चीज। एक सेकंड ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं वो ग्रेडिएंट डिसेंट एल्गोरिथम की, इस जो बात हम लोग कर रहे हैं जिनका आपका छूट गया था। हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए इंट्यूशन क्या है ग्रेडिएंट डिसेंट का, कि देखिए सपोज मुझे बेस्ट कोफिशिएंट लेने हैं, ठीक है। ये एक एक मेरा पॉट है खाने का, ठीक है, और ये इसके तलहटी में बेस्ट कोफिशिएंट है और मैं यहाँ पे हूं, तो मुझे क्या करना, मुझे यहां तक जाना है ग्रेडिएंट डिसेंट। तो मैंने क्या किया, मैं हर बार अलग अलग कोफिशिएंट की वैल्यू सेलेक्ट कर रहा हूँ, सॉरी इटरेट कर रहा हूँ कॉस्ट फंक्शन की बेसिस पे। अब कॉस्ट फंक्शन क्या जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं है या मिनिमाइज करें जो पॉसिबल हो जाए। तो हम लोग यहां से मूव कर रहे हैं, मूव करते हुए जा रहे हैं यहाँ प्याले से डिसेंट करते हुए, और मुझे ये बेस्ट कोफिशिएंट जाना है। तो हम लोग क्या करें ग्रेडिएंट डिसेंट का, तो हम लोग क्या करें हर एक लेवल पे चेक कर रहे हैं, थोड़ा दूर चला और मैंने स्लोप चेक किया,
फिर थोड़ा दूर चला, फिर मैंने स्लोप चेक किया, फिर थोड़ा दूर चला, फिर मैंने स्लोप टटोला। तो ये जो थोड़ी थोड़ी दूर चल रहा है इसको बोल रहे हैं लीटा, दैट इज द लर्निंग रेट। ठीक है, और हर बार चाह रहे हैं हम लोग अपना कॉस्ट फंक्शन देख रहे हैं कि कितनी कॉस्ट फंक्शन है, क्या मिनिमाइज हुई, नहीं मिनिमाइज हुई तो डिफरेंशिएट करके कॉफिशियंट में सब्ट्रैक्ट करके एक नया कॉफिशियंट रख रहे हैं, फिर उस पर नेक्स्ट रो का डेटा रख रहे हैं। यही प्रोसेस हम करते चले जा रहे हैं और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर मुझे बेस्ट कॉफिशियंट, इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर चलिए कॉस्ट फंक्शन बढ़ता चला जाएगा। तो हमें एक ऐसे पॉइंट पे जाना है जहां मुझे बेस्ट कॉफिशियंट मिले, यानी कॉस्ट फंक्शन या तो जीरो हो जाए और मिनिमम हो जाए, मतलब कि सैचुरेटेड, फर्दर फर्दर इंप्रूवमेंट पॉसिबल नहीं। तो यहां पे जो हम रुके, जो मुझे कॉफिशियंट मिले, ये मेरे बेस्ट कॉफिशियंट कहलाए और ये अब हम लोग यूज करेंगे प्रेडिक्शन। ठीक है, इसी चीज को मैंने समझाया था वो कि पहाड़ पे खड़े हैं, ठीक है, और मुझे नदी पे जाना है। ठीक है, तो अब क्या है, मैं यहां पे खड़ा हूं और मुझे जाना है रिवर पे बेस्ट कॉफी सेंट। तो मैंने क्या किया, ग्रेडियंट डिसेंट, डिसेंट किया थोड़ा सा, थोड़ी दूर चल के फिर मैंने पैर से टटोला, जिधर स्लोप है उधर मुड़ गया, फिर पैर से टटोला जिधर स्लोप था उधर मुड़ गया, फिर जिधर स्लोप मिल गया उधर मुड़ गया। ऐसा करते करते मैं पहुंच गया नदी। अब मुझे कितनी कितनी दूरी पे स्लोप को टटोलना है, इसी को लर्निंग रेट बोला। यानी अगर मैं कम कम दूरी पे चेक करूंगा तो मुझे हो सकता है ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिले, मुझे सही स्टीप पॉइंट मिल जाए, मैं जल्दी बेस्ट कोफिशिएंट तक पहुंच जाऊं, है ना। तो यही हमारा लर्निंग रेट है। लर्निंग रेट की वैल्यू 0.1 से लेके 0.00000, ऐसे जितना आपका सॉफ्टवेयर आपका कंप्यूटर अफोर्ड कर सकता है कैलकुलेशन, आप वेरी करके चेक कर सकते हैं। तो यही हमारा ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम, बेस्ट कोफिशिएंट को जज करना, बेस्ट कोफिशिएंट निकालना। एग्जैक्टली मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, AI, इन सब में यही काम करने वाले हैं। तो ये जो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम है, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, यही की है डीप लर्निंग का। और डीप लर्निंग क्या है, वह पीस ऑफ नॉलेज है जिससे कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अचीव करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या, एक वेग वर्ड है, वेग मतलब एक टर्म है, सिंपल टर्म, मतलब जैसे कुछ भी कहे कि ये महान आदमी है, लेकिन बताना होगा ना कि कैसे महान है। उसी तरीके से AI एक वर्ड है, एक टर्म है। तो बात यह आती है कि AI को अचीव कैसे करें, तो AI को अचीव कैसे करते हैं, डीप लर्निंग से। तो क्या है, सेम रिग्रेशन फिट करेंगे SGD से और बहुत सारे हिडन लेयर्स लगाते हैं। चल थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि देखिए एक्चुअली सारी चीजें जुड़ी हुई है ना, अलग करके नहीं देख सकते। तो ये देखिए क्या कर रहे हैं, देखिए देखिए हमारा मशीन लर्निंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखिए हमारा पहली रो का डेटा आ रहा है X1 X2 सपोज 10 रो से, ये आया यहाँ पे, हम लोगों ने इसमें वेट असाइन कर दिया W1 W2 W3 और एक बायस टर्म इसमें हम लोग, अच्छा मैं वाला बता लूं, ये जो बीटा नॉट है इसको बायस बोलते हैं हम लोग मशीन लर्निंग में। ठीक है, ये जोड़ दिया बायस टर्म। ठीक है, अब ये क्या हुआ, वही रिग्रेशन W1X1 प्लस डेटास्ट W1XM प्लस बायस यानी बीटा। यहां पे हम लोग एक एल्गोरिथम लगाएंगे जिसको बोलते हैं एक्टिवेशन फंक्शन, AF एक्टिवेशन फंक्शन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन है ये रिग्रेशन, इसी को आप कंटिन्यू कीजिए या फिर इसमें कुछ क्लासिफिकेशन लगा दीजिए, ठीक है, गुड या बैड। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, क्लास एक्टिवेशन फंक्शन लीनियर रिग्रेशन कुछ भी लगाने के बाद हमारे पास आया वाई डैश, ठीक है, प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो इसको हम लोगों ने माइनस किससे किया, एक्चुअल वैल्यू से। तो इसने हमको क्या दिया, कॉस्ट फंक्शन। अगर कॉस्ट फंक्शन इक्वल टू जीरो है या सैचुरेट नहीं हो रहा मिनिमम, तो हम लोग यहां से घूम के वापस आते हैं और यहां से अपने वेट्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। याद है हम लोग यही तो कर रहे हैं, स्टॉक आर्टिकल नेक्स्ट रो में जा रहा है, कॉस्ट फंक्शन चेक कर नेक्स्ट रो में जा रहा है और बीटा नॉट बीटा वन इसी को तो वेट्स बोलते हैं, उसको ऑप्टिमाइज किया और नेक्स्ट रो में डाला। ठीक है, ऑप्टिमाइज किया वेट्स को, अब नेक्स्ट रो का डेटा आया, उन नए वेट्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ, एक्टिवेशन फंक्शन लगा, प्रिडिक्ट किए, एक्चुअल वैल्यू से माइनस किए, इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन जीरो या सैचुरेट नहीं, तो फिर वापस आए और फिर से वेट्स को ऑप्टिमाइज किया। यही तो कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बैक
प्रोपोगेशन, और इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क। और ये देखिए, ये जो हम लोग इस लेवल से इस पे आए, फिर यहां पे गए, एक एक स्टेप आगे, इसको बोलते हैं फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, देखिए क्या बताने जा रहे थे, फीड फॉरवर्ड है ये। ठीक है, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो यही तो है कि इनपुट आया, वेट ऑप्टिमाइज के आगे बढ़ा, फिर यही यही तो ग्रेडिएंट डिसेंट से हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए, जब इसी में नंबर ऑफ, अब देखिए इसको बोलते हैं इनपुट लेयर। अच्छा, आप लोग सुन पा रहे हैं मेरी बात? और इसको बोला हम लोगों ने आउटपुट लेयर। और इसको, ये जो वाली लेयर है वेट वाली, इसको हम लोग बोलते हैं हिडन लेयर। जब नंबर ऑफ हिडन लेयर सिंगल एक रहे तो ये कहलाता है वन हिडन लेयर, जो अभी जो बता रहे एग्जांपल, तो ये कहलाता है परसेप्ट्रॉन। ठीक है, जब हिडन लेयर ग्रेटर देन वन होती है, यानी एक से ज्यादा, सॉरी ये वन है, ये देखिए गंदा सा बन गया, कोई बात नहीं, जब हिडन लेयर एक से ज्यादा होगी तो ये कहलाता है मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। ये देखिए एक लेयर और आ गई इसमें। ठीक है, अब यहां से जो आउटपुट है W1X1 W2, इसको नए पेज पे बनाता हूं, अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, नहीं तो नए पेज पे फोटो बनाता हूं मैं। ठीक है, इरेज कर दूं इसको मैं? हाँ सर, कर दूं। हाँ, कुछ बोल रहे हैं, नहीं आई आवाज, कर दीजिए रे सर। ठीक है, देखिए ये है इनपुट लेयर X1 X2 up to XN, पहला हिडन लेयर। ठीक है, W, ये देखिए W1 W2 up to W1, तो यहां से क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ X1 W1, हर एक लेयर पे हम एक एल्गोरिथम लगा रहे, तो हमने यहाँ पे लीनियर लगा दिया X2 W2 XN W1। अब ये देखिए दूसरा हिडन लेयर, यहाँ पे एक नया W1 dash W2 dash WN dash, नया वेट जनरेट किए। अब ये देखिए ये आया, तो ये जो कैलकुलेट हुआ, कुछ कैलकुलेट हो गया, कुछ 10 12 15 कोई वैल्यू होगी ना, तो वैल्यू आई, तो अब इस वैल्यू में, ये जो वैल्यू है इस वाली लेयर के लिए फिर से नया इनपुट है, इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट है, इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट है, तो फिर मल्टीप्लाई हुआ, सपोज X1 dash कर लेते हैं, X2 dash। ठीक है, तो अब नई एक और हिडन लेयर W1 dash, इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट। इसके बाद हम लोगों ने एक्टिवेशन फंक्शन लगाया, लॉजिस्टिक या कुछ भी, Y dash माइनस कर दिया एक्चुअल से कॉस्ट फंक्शन। जब नंबर ऑफ हिडन लेयर एक से ज्यादा हो तो कहलाता है मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, और यही कहलाता है डीप न्यूरल नेटवर्क और डीप न्यूरल नेटवर्क, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं डीप लर्निंग, है ना? और अभी सुनने में आया था, और यही आज की तारीख में हमारे पास मेथड है जिसके द्वारा हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और यही हमारा सारा जगह अप्लाई होता है। अब देखिए, ये जो ये मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन या ये फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क जो भी है ना, बाकी भूल गए, याद करता हूँ क्या बोले जाते। ठीक है, अब जब भी याद आएगा तो बता देंगे, यही हमारा डीप लर्निंग। ठीक है, और केरास, थियानो, टेंसरफ्लो, ये सब लाइब्रेरीज है जिनके द्वारा हम लोग
कंप्लीट करते हैं इसमें ग्राफ में डेटा। देखिए ग्राफ में मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल आ रहा है इस पे हो रहा है फिर इस पे इस पे इस पे इस पे। और हाँ ये बताने जाते याद आ गया, गूगल ने देखिए अब इसको देखिए बता रहा है ये इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है इरेज कर दूं? यस सर। हाँ अब देखिए हाँ अब देखिए क्या है, गूगल ने अभी आ रहा था कि गूगल ने 1 मिलियन हिडन लेयर के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। और क्या था कि उन्होंने उसको पाइथन सिखाई, ट्रेन किया पाइथन प्रोग्रामिंग पे, तो उसने क्या उनके मॉडल ने जिन्होंने क्रिएट किया था उन क्रिएटर से अच्छी पाइथन की प्रोग्रामिंग कर रहा है, ये उन्होंने एक स्टेटमेंट आया था उनका एक गूगल का, ठीक है। तो हमारे देखिए एक्चुअली क्या है, जितने नंबर ऑफ हिडन लेयर बढ़ेगा ऐसा परसेप्शन है कि मानता था, इसका रीजन क्या है एक्चुअली देखिए, डीप लर्निंग को ना ह्यूमन ब्रेन से मिमिक किया गया, मिमिक मतलब उसकी नकल उतारी गई है ह्यूमन ब्रेन की। देखिए कैसे ह्यूमन ब्रेन, देखिए क्या है ह्यूमन ब्रेन का जो न्यूरॉन है उसकी, देखिए ये देखिए हमारा न्यूरॉन है, ठीक है थोड़ा सा गंदा बन गया, ये देखिए ये जो इसके ये सब है इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है सोमा या सोमेटा बोलते हैं, यही हमारा हार्ड डिस्क है जिसमें हमारे ब्रेन में दिमाग इसमें जो है डेटा स्टोर रहता है, ठीक है। अब ये आया कहीं गूगल पे अच्छा सा निकाल लीजिएगा फोटो, ठीक है। तो ये डेंड्राइट्स है, फिर ये देखिए ये क्या होता है ऐसे, फिर ये हमारा ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है ह्यूमन ब्रेन के न्यूरॉन का। तो देखिए ये क्या है, ये देखिए इनपुट्स है X1 X2 X3 X4 X5। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहला लेयर है ये पहली हिडन लेयर, यहाँ पे कुछ W1 W2 वेट से इनिशियलाइज हुए हमारे तजुर्बे के बेसिस पे, यहाँ एक एक्टिवेशन फंक्शन लगा हार्ड डिस्क में जो डेटा था, ठीक है यहाँ पे यहाँ से ये पास हुआ। दूसरा हिडन लेयर X1 डैश जो अभी समझा रहे थे उसको देखिए, उसी को कल्पना कीजिए, यहाँ पे इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट है, और ये देखिए एक्स डैश क्या है, एक्स इंटू डब्ल्यू है, यानी X1 डैश है, X1 W1 ये है, ऐसे रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, एक बच्चा सोचिए, एक बच्चे ने क्या किया कि बिजली का छोटा बच्चा था, देखिए मेरे और एक छोटे बच्चे में जो अभी पैदा हुआ है नवजात शिशु, उसके ब्रेन में कोई अंतर नहीं है, जितना बड़ा मेरा ब्रेन है उतना ही बड़ा उसका भी ब्रेन है, पर कितना है कि मेरे पास 45-40 साल का डेटा है और उस बच्चे के पास सिर्फ 2 दिन का है तो 2 दिन का डेटा है, 6 दिन का है तो 6 महीने का अगर बच्चा तो उसके पास 6 महीने का सिर्फ डेटा है, इसीलिए वो डिसीजन मेकिंग मेरे जैसी नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि मेरे पास 40 साल का डेटा है ना। तो देखिए बच्चा का देखिए लर्न कैसे करता, कि बच्चे ने क्या किया कि बिजली का पोर्ट था उसमें उंगली डाली उसे करंट लग गया, तो उसे समझ में आ गया कि मुझे बिजली नहीं छूनी है तो उसमें नहीं डालना है। कुछ दिन बाद उसे यह समझ में आया कि अरे यार अगर स्विच ऑफ है तो मैं उंगली डालूं तो मुझे करंट नहीं लगेगा। तीसरी बार उसे समझ में आया कि अगर स्विच ऑफ है तभी कभी कभी अर्थिंग का करंट लगा, खुद को अपडेट कर रहा है जैसे जैसे डेटा आ रहा है। तो देखिए ये क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको अपडेट करा रहे हैं, ये हमारे हार्ड डिस्क में डेटा है उसके बेसिस पे वो अपडेट होता चला जाता है, और इसमें माना जाता है कि पीटाबाइट और जेटाबाइट ऑफ डेटा है इतने छोटे से में, और हमें पीटाबाइट जेटाबाइट को स्टोर करने की कितनी बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ हिडन लेयर है ना। तो यानी कि शायद ऐसा मान ले कि जिस दिन हमारा कंप्यूटर बिलियंस ऑफ हिडन लेयर के साथ कैलकुलेशन करना सीख जाएगा उस दिन शायद हम लोग मशीन को इंसान जैसा बना ले जाएंगे, है ना, या उससे भी स्ट्रांग, क्योंकि मशीन तो लोहे वोहे की होती है, मजबूत भी होगी वो। अब देखिए क्या होता है कि देखिए हिडन लेयर अब फिर आया एक्टिवेशन फंक्शन लग गया और ये डिसीजन मेकिंग हो गया, मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये न्यूरॉन ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे टारगेट हो रहा है डिसीजन मेकिंग, अरे इसको रखना कि नहीं रखना, कुछ डिसीजन कर रहा हूँ, ठीक है वाई डैश, ठीक है। अब देखिए जब ये एक्टिवेशन फंक्शन होता है ना तो हमारे ब्रेन में यहां पे केमिकल रिएक्शन होता है, यही एक्टिवेशन फंक्शन ब्रेन में काम, केमिकल रिएक्शन होता है फिर हम फाइनल जजमेंट लेते हैं, इसी केमिकल रिएक्शन को केमिकल फायरिंग बोलते हैं। अब देखिए
अगर किसी के दिमाग में कभी कभी, अभी तो हम लोग अपने दिमाग के बारे में ज्यादा जान नहीं पाए, अगर किसी के दिमाग में यही केमिकल फायरिंग होना बंद हो जाती है तो उसको याददाश्त चली जाती है, वो उल्टे सीधे काम करने लग जाता है या पागल हो जाता है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा जो हमारे फुटबॉल के बहुत बड़े प्लेयर है पेले, पेले को पार्किंसन रोग है, तो वो हिलते रहते, पार्किंसन रोग क्या है, केमिकल फायरिंग में डिस्टर्बेंस आ जाती है, ठीक से केमिकल फायरिंग नहीं होगी। इसी तरह देखिए गजनी पिक्चर में आमिर खान, तो आमिर को 15 मिनट की मेमोरी रहती है, क्यों, क्योंकि उनकी केमिकल फायरिंग ठीक से नहीं हो रही थी न्यूरॉन में। इसी तरीके से देखिए ये जो है ये संजय दत्त की पिक्चर है कि मुन्ना भाई एमबीबीएस, तो उनको क्या था, हेलुसिनेशन होने लगता है ना, तो क्या था, केमिकल फायरिंग में कहीं लोचा आ गया था। तो वो लोग पढ़े थे इस चीज को न्यूरल नेटवर्क, तो उन्होंने कहा था केमिकल रिएक्शन था, तो बोलते कि भाई केमिकल रिएक्शन या केमिकल फायरिंग नहीं हो रही है, तो लोग पब्लिक नहीं समझ पाती, तो उन्होंने इसको टेक्निकल टर्म दे दिया कि भाई केमिकल लोचा। तो केमिकल लोचा क्या है, टेक्निकल टर्म है, ब्रेन में केमिकल लोचा हुआ इसीलिए न्यूरॉन में डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे थे ठीक से। तो इसी चीज को मिमिक किया गया है डीप लर्निंग में ब्रेन में, है ना। फिर आगे जब आएगा डीप लर्निंग का पार्ट तो उसमें बताएंगे एनएलपी वगैरह में कि कैसे इमेज रिकॉग्निशन में जो है एक बिल्ली कैट जो इयान गुडफेला था उन्होंने बनाया, उन्होंने किया था सीएनएन कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, तो कैसे इयान गुडफेला ने बिल्ली कैसे इमेज को परसेप्शन करती है देखती है, तो उस पे उन्होंने हिडन लेयर उसी हिसाब से बनाया, तो वो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क बन गया, है ना। तो यही सब पहले चीज, इसको डिलीट कर, इसको इरेज कर दे। हेलो आप लोग आवाज सुन रहे हैं? हाँ सर। जी सर, ठीक है, इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा ग्रेडेशन। अच्छा मैं सोच रहा हूं कि अगर ज्यादा हो गया तो आज रहने देते हैं यहीं पे, कल करेंगे। ओके सर। तो जैसा बोलिए, अगर आप लोग का ओपिनियन है तो ओवरलोड अगर हो रहा हो तो कल करते हैं। यस सर, कल कंटिन्यू। ठीक है, तो अब देखिए मैनुअली कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कैसे, अभी डिटेल में, अभी ग्रेडेशन डिटेल में और पढ़ाऊंगा, है ना। और बाकी आप लोग देखिएगा, आपको पीपीटी मेल कर दिया हूं, जो नहीं समझ में आएगा तो अपने क्वेश्चंस रखिएगा, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे मिलके, ठीक है। ठीक है, श्योर सर। चलिए तो आज का सेशन मैं एंड कर रहा हूँ फिर। ओके, ठीक है सर, थैंक यू।